बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, सबको खुश आमदीद जी टू दिस सेशन। हम वी वर डिस्कसिंग अबाउट मेंटेनिंग अ रिफ्लेक्टिव जर्नल। हमने जो चीज़ें पिछले सेशन में की थी, मैं सिर्फ एक दफ़ा उनको रिकैप कर देता हूँ जल्दी से, ताकि वो आपके सामने ताज़ा हो जाएं। मैंने इसमें सबसे पहली बात की गुजारिश की थी कि इसकी नीड क्या है, व्हाट इज़ द नीड फॉर मेंटेनिंग अ रिफ्लेक्टिव जर्नल। मैंने आपसे ये अर्ज किया था कि हमारे जो एक्शंस हैं, जब तक कि हम इसमें अपनी तरबियत ना करें, हम अक्सर औकात दे आवर एक्शंस दे एमिनेट फ्रॉम सच इंटरनल प्रोसेसेस जिनसे हम बहुत ज़्यादा वाकिफ नहीं होते हैं। और जब हम व्हेन वी एक्ट विदाउट द अवेयरनेस ऑफ आवर इंटरनल प्रोसेसेस, वी टेंड टू बिकम रिएक्टिव एंड आर मोर लाइकली टू रिग्रेट आवर एक्शंस लेटर। अवेयरनेस जो है हमारी इंटरनल प्रोसेसेस की, वो हमें एनेबल करती है कि हम अपने इंटरनल प्रोसेसेस को रेगुलेट कर सकें। ये उसकी रिक्वायरमेंट है, अपने इंटरनल प्रोसेसेस को रेगुलेट कर सकना इसकी रिक्वायरमेंट है। ये इसका प्री रिक्विजिट ये है कि हम अपने इंटरनल प्रोसेसेस से अवेयर हों। मिसाल के तौर पर, आप अगर इस वक्त स्ट्रेस में हैं और आप यू आर नॉट फुली अवेयर एंड कॉन्शियस ऑफ द फैक्ट कि मैं स्ट्रेस में हूं, तो उसके नतीजे में आप इसको रेगुलेट नहीं कर पाएंगे। हम दो में से किसी एक चीज को कम से कम रेगुलेट कर सकते हैं, अपने एक्शंस को और अपनी इमोशंस को, दोनों ही हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम कर पाएं। बट इट इज वेरी डिफिकल्ट विदाउट प्रॉपर ट्रेनिंग कि हम अपनी इमोशंस को रेगुलेट कर सकें। अलबत्ता एक्शंस को हम रेगुलेट कर सकते हैं, इवन अगर महज हमें ये पता चल जाए कि हम अपनी अवेयरनेस पैदा कर लें कि हम अपने इस वक्त हमारी फीलिंग क्या है, हमारी थॉट्स क्या है, किस वजह से हमारी ये फीलिंग हो रही है। और मैंने ये अर्ज किया था कि जो रिफ्लेक्टिव जर्नल है, ये मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा, ऑल दोज हु आर इन दिस सेशन, ऑल दोज हु लिसन टू दिस सेशन लेटर ऑन, इसकी रिकॉर्डिंग देखें, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप इसको करके देख लीजिए। डोंट गो बाय माय वर्ड। मेंटेनिंग अ रिफ्लेक्टिव जर्नल इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल्स। आई कंसीडर इट टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल्स फॉर डेवलपिंग अवेयरनेस ऑफ आवर इंटरनल प्रोसेसेस, जिसके नतीजे में हम वो रेगुलेट कर सकेंगे। हम अगर ये रेगुलेशन इस अवेयरनेस में नहीं आएंगे, तो हमारे लिए ये मुश्किल हो जाएगा कि हम इसको रेगुलेट कर सकें। और अगर आप ये समझते हैं, इस बात को बड़ी अच्छी तरह से समझने की जरूरत है कि इंसान के एक्शंस जो होते हैं, इंसान जो कुछ कर रहा होता है, वो किसी ना किसी इंटरनल प्रोसेसेस से रिलेट करता है। आप जब कुछ करते हैं तो या तो आपका कोई पॉजिटिव इंटरनल प्रोसेस होगा या नेगेटिव होगा। बहरहाल जो कुछ भी आपके अंदर, जो कुछ भी आप अमल करते हैं, योर एक्शंस दे आर नॉट मेयरली लाइक विंड ब्लोइंग। ऐसा नहीं है कि आप एक कागज हैं जिसको हवा इधर से उधर बखेर रही है या थपेड़े मार रही है। जो इंसान के एक्शन हैं, जो कॉन्शियसली वो करता है, उसमें उसके इंटरनल प्रोसेसेस डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं, और इनको रेगुलेट करना ये रिफ्लेक्टिव जर्नल के जरिए से आसान हो जाता है जी। दूसरी चीज मैंने इसमें जो आपके सामने प्रेजेंट की थी लास्ट टाइम, वो सिंपली एक जो हमने इससे पिछला टॉपिक किया था अबाउट कॉन्वर्सेशंस, उसका एक स्लाइड उसकी ली थी, सो दैट वी कैन सी कि किस तरह से एवरी एक्शन दैट इज रिकमेंडेड, यहाँ पर इस सफ़े पे जो पांच एक्शंस रिकमेंड किए जा रहे हैं, उसके पीछे हमारे इंटरनल प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं। अगर वो इन्वॉल्व हैं तो फिर हम उनसे अवेयर होंगे तो इन एक्शंस को पूरा कर सकेंगे, वरना नहीं कर सकेंगे। और इसी सिलसिले में मैं आज आपको जो दूसरा इसका हिस्सा है, उसमें आगे हम बढ़ रहे हैं, जिसमें कि हमारा असल मकसद ये होगा कि वो अब जिस चीज़ की हम बात कर रहे हैं अबाउट रिफ्लेक्टिव जर्नल को मेंटेन करने की, उस रिफ्लेक्टिव जर्नल के क्या हिस्से होंगे, आपने उसको कैसे बनाना है। आप इससे मेरी, जिस तरह मैंने अभी गुजारिश की, आपसे मेरी रिक्वेस्ट ये है कि इसको ट्राई करके देखिए एंड यू विल सी। इसकी एक वजह है, मैं अगर आप चाहेंगे तो मैं उसको बयान कर दूंगा कि एक बड़ी इंपॉर्टेंट वजह है कि जिस वक्त हम ये रिफ्लेक्टिव जर्नल बनाएंगे तो उससे हम ज्यादा कॉन्शियस होते चले जाएंगे अपने एक्शंस के बारे में, अपनी थॉट्स के बारे में। आम तौर पर
हम अपनी इमोशंस को और अपनी थॉट्स को ऐसे समझते हैं कि जैसे ये तो बस है, वी टेक देम फॉर ग्रांटेड, वी डोंट हैव एनी कंट्रोल ओवर देम, बट एज वी स्टार्ट वर्किंग ऑन देम एंड स्पेशली दिस टूल ऑफ मेंटेनिंग अ रिफ्लेक्टिव जर्नल, आप ये देखेंगे कि ये आपके कंट्रोल में आना शुरू हो जाएंगे, आप अवेयर होना शुरू हो जाएंगे उसके बारे में। हाँ, मेरे से आगे चल रहे हैं जी, अल्लाह का नाम लेके। आज जो हम जिधर से बात शुरू कर रहे हैं वो ये है कि बिकमिंग मोर कॉन्शियस ऑफ आवर प्रोसेसेस एंड एक्शंस, हमने जर्नलिंग करनी है ऑफ आवर एवरीडे एक्सपीरियंसेस। इसमें मैं गुजारिश ये करूंगा आपसे, सबसे पहली बात ये कि अपनी इम्प्रूवमेंट के लिए, अपनी जाती इम्प्रूवमेंट के लिए, नॉट फॉर एनीबडी एल्स, नॉट टू इम्प्रेस एनीवन, नॉट टू टॉक टू एनीवन अबाउट इट, जस्ट फॉर द सेक ऑफ माई इम्प्रूवमेंट, मैं गुजारिश ये करूंगा कि आपको 15 से 20 मिनट 25 मिनट एवरी इवनिंग यू हैव टू टेक देम आउट फॉर योरसेल्फ। इसमें आपने करना ये है और इस अपने दिन का रिव्यू करना है कि ये जो पूरा दिन गुजरा है इसमें क्या क्या वाकयात पेश आए हैं। कोशिश करनी है आपने कि इसमें से दो एंट्रियां निकल आए। एक एंट्री वो होगी कि जिसमें आपने consciously, the first entry will be about time during the day when we succeeded in following any one or more of the guidelines of conversations. Abhi hum sirf in guidelines ki baat kar rahe hain jisko hum kar chuke hain, varna jaise jaise ye workshop aage badhegi to aap ye dekhenge ki in at every step, har step par ye jo aapka reflective journal hai ye aapko apne principles ke sath रिलेट करेगा, अपने प्रिंसिपल से उनके बारे में कॉन्शियस करेगा और एक प्रिंसिपल सेंटर्ड लाइफ गुजारने में मदद करेगा। पहली चीज आज के हवाले से, वरना इसको आप एक जनरल चीज भी समझ सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप इसको इस तरह पढ़ें कि द फर्स्ट एंट्री विल बी अबाउट अ टाइम ड्यूरिंग द डे व्हेन वी सक्सीडेड इन फॉलोइंग वन एनी वन और मोर ऑफ आवर सिलेक्टेड प्रिंसिपल्स। आज हम सिर्फ इसके हवाले से बात कर रहे हैं, गाइडलाइंस ऑफ कॉन्वर्सेशन जो अभी हमने कंप्लीट किया है टॉपिक, उसमें से आपको पहले हिस्से की भी दूसरे हिस्से की भी गाइडलाइंस आपके सामने है। इसको अपने सामने प्रिंट करवा लें, इसको अपने सामने दीवार पे रख लें, सो दैट यू रिमेम्बर कि हम क्या बात कर रहे हैं, ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद आपने करना ये है कि अपनी शाम के टाइम पे 15 से 20 मिनट निकाल के गौर करें कि किस कॉन्वर्सेशन में आप इनमें से किसी गाइडलाइन को अच्छी तरह फॉलो कर पाए। दूसरी एंट्री आपने ये करनी है कि विल बी अबाउट अ टाइम ड्यूरिंग द डे व्हेन वी वर नॉट एबल टू एडहेयर टू एनी वन और मोर ऑफ द गाइडलाइंस, जब हम इसमें नाकाम हुए। इन ईच एंट्री, ये जरूरी है जी, ये आपके लिए रिकॉर्ड है और ये कोशिश कीजिए कि आप अपने तक ही रखिए। इट इज अ वेरी ह्यूज यू नो टूल फॉर सेल्फ इम्प्रूवमेंट इफ यूज प्रॉपरली। आपने किसी लगी लिपटी के बगैर जो लैंग्वेज जिसमें आप कंफर्टेबल हैं उसमें बिला तकल्लुफ, किसी को इम्प्रेस नहीं करना, किसी उसके अंदर ग्रामेटिकल रूल्स का ख्याल नहीं रखना उन स्टेटमेंट में जो आप लिखेंगे। आपने सिर्फ इसलिए रखना है ताकि ये आपकी एक याददाश्त बने। In each entry, we will write the date, कि कब की बात है, what happened very briefly, कि ये हुआ था, situation क्या थी, ताकि आपको context याद आ जाए जब आप बात में देखें। What was the guideline in question that we honored or ignored? हमने जो guidelines देखी हैं पीछे दोनों हिस्सों में conversations के, आप ये देखिए कि which particular guideline are you talking about in your example? What were we thinking and feeling? आपकी उस वक्त सोच क्या थी, आपके अंदर इमोशंस क्या थी? What led us to think and feel the way we did? किस वजह से ये सोच थी या किस वजह से आपकी ये फीलिंग थी? What did we do and how did we feel about it? ये जितनी भी चीजें हैं इनको अगर आप कर लें, शुरू में आपको इनको रिफर बैक करना पड़ेगा, बट एज यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग देम What you will see is कि ये naturally आपकी उसका हिस्सा बन जाएगा। इंसान इस तरह की चीजें जो हैं ये महज repetition से बड़े आराम से सीख लेता है। इसके बाद एक आखिरी चीज ये है कि in case of the second entry, जिधर आपने ये बताना है कि आप जिधर नाकामी का सामना करना पड़ा, मिस कर गए किसी एक गाइडलाइन को फॉलो करने में, सेकेंड एंट्री की सूरत में ऑल्सो राइट वॉट कैन वी डू डिफरेंटली इन फ्यूचर दैट माइट हेल्प अस
इन अबाइडिंग बाय द गाइडलाइंस मोर इफेक्टिवली. आइंदा के लिए आपने इमेजिन करना है, अपनी इमेजिनेशन को जरा थोड़ा सा एक्टिवेट करना है कि क्या कर सकते हैं आप कि इस तरह की सिचुएशन में ये वाला एस्पेक्ट ना पैदा हो कि आपको गाइडलाइन इग्नोर करनी पड़े. ये जो सारे के सारे हैं, इनको मैं जो लोग इसमें शामिल हैं, इंशाल्लाह इफ यू सेंड मी एन ईमेल, आई कैन सेंड यू द टेक्स्ट ऑफ दीज फाइल्स. आपके लिए ये पॉइंट ऑफ रेफरेंस बन जाएगा. और इसको प्रैक्टिस करना है जी. ये जो आपने अभी सीखा है, ये जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इसको मैंने जिस तरह से शुरू में बताया था, लर्निंग जर्नल अगर आप बना सकते हैं, देखिए इसमें क्या चीज़ें हैं जो ये पिछले दो सेशन में आपने सीखी हैं, क्या चीज़ है जो कि आप नहीं जानते थे आज पता चली है. इट विल बिकम अ पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी एंड देन दैट इज वेयर एक्चुअल लर्निंग अकर्स. दूसरी चीज़ ये कि इसको जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, ये जो सब्जेक्ट्स होते हैं ना जी इस तरह के, इसमें एक प्रॉब्लम है. यानी हमें इल्म हासिल हो गया और हमने प्रैक्टिस नहीं किया तो असल में वो ऐसे ही जैसे नहीं हासिल हुआ. इट विल हैव नो इफेक्ट. महज जानने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप ये करेंगे तो फर्क पड़ेगा और ये फर्क आप खुद महसूस करेंगे कि पढ़ा है. मैं इसलिए इस कॉन्फिडेंस से कह रहा हूँ जी कि जब भी ये कभी हुआ है, जब भी हमने रिकमेंड किया है इसको और हमेशा ही करते हैं, और जब भी किसी ने ये फॉलो किया और उसका जो फीडबैक मिला है, दैट हैज ऑलवेज बीन वेरी पॉजिटिव. तो मेरी गुजारिश ये है कि इसको जरूर कीजिए. मैं इसकी आई वुड लाइक टू शेयर विद यू दो मिसालें. मैं जिस तरह से मैंने कहा कि दो एंट्रीज करनी है, तो मैं ये दो ही मिसालें आपके सामने लेके आ रहा हूँ, सो दैट आपके लिए एक और भी उसकी एग्जाम्पल सामने आ जाएगी कि किस तरह से इसको जर्नल एंट्रीज को बनाना है. देखिए, आपने डेट लिखी, उसके बाद इसका कॉन्टेक्स्ट लिखा. मैंने ये लिखा है कि इन अ कॉन्वर्सेशन विद माई स्पाउस टूडे when I informed her about the increase in the electricity bill, मैं इसका ब्रीफली तर्जुमा भी करता जाऊंगा. और इसको ध्यान में रखना है कि आपने किसी लैंग्वेज के बैरियर को नहीं प्रॉब्लम बनने देना. अगर कोई बात समझने में मुश्किल हो तो आपने इसको बिला झिझक पूछना है. When I informed her about the increase in the electricity bill, she immediately replied that she was being as careful as she could and that she did not think there was anything she could do about it. जब मैंने उनको ये बताया, अपनी अहलिया को ये बताता हूँ मैं कि बिल ज़्यादा हुआ है, तो इमीडिएट रिस्पॉन्स ये आता है कि हम और तो कुछ नहीं कर सकते, वी आर ऑलरेडी वेरी केयरफुल. इसके नतीजे में जो पहला ख्याल मेरे अंदर आया, अब ये मेरी जर्नल एंट्री है जी, जो पहला ख्याल मेरे अंदर आता है वो ये है कि वाई आर यू, इस ये कहूँ मैं कि वाई आर यू बींग सो डिफेंसिव. लेकिन ये जो जुमला है, ये जो सेंटेंस है, ये असल में एक रिटोरिकल क्वेश्चन है. ये पूछ नहीं रहा है कि इतना डिफेंसिव क्यों है, ये बेसिकली कमेंट कर रहा है दूसरे के ऊपर कि तुम असल में महज डिफेंसिव हो रही हो या हो रहे हो. हाउएवर फॉर्चुनेटली आई रियलाइज्ड इन टाइम दैट आई वाज फीलिंग फ्रस्ट्रेटेड बाय हर रिप्लाई एंड वाज थिंकिंग, और मैं सोच ये रहा था, मैं उसकी रिप्लाई पर फ्रस्ट्रेट फील किया और मैं ये सोच रहा था कि शी इज नॉट विलिंग टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एनीथिंग, विच इज नॉट अ वेरी पॉजिटिव थॉट. आई ऑल्सो रियलाइज्ड इन टाइम दैट माई स्टेटमेंट हैड कॉज्ड हर टू फील ब्लेम्ड. मेरी ये स्टेटमेंट से उनको ये मतलब मिला है कि एज इफ मैं उनके ऊपर जिम्मेदारी डाल रहा हूं. सो आई चेक माई रिस्पॉन्स एंड आई सेड आई डिडंट इंटेंड टू ब्लेम यू, आई अपोलोजाइज if that is how I sounded. I only wanted to say that we need to try to find a solution to this problem together. We cannot increase our income immediately. So what do you think we should do about it? Zahir hai, ye ab hamari problem hai. We are partners. We are running this household. I was very pleased because I felt that my timely realization of my negative thoughts and feelings helped me avoid an unnecessary argument from starting. ये देखिए, ये है जो आपकी जर्नल एंट्री है. आप इसको अपने लिहाज से जब सोचेंगे कि आज जो कुछ हुआ उसमें वेयर यू कंट्रोल्ड योर सेल्फ, जिधर आप रियलाइज कर गया कि अगर मैंने ये बात की तो इससे क्या नतायज निकल सकते हैं, वेन यू केप्ट द कॉन्सिक्वेंसेज इन योर माइंड, तो उसके नतीजे में आपको ये अच्छी मिसालें मिल जाएंगी. एंड पुटिंग देम डाउन ऑन पेपर विल एक्चुअली मेक यू लिव देम अगेन. ठीक है जी.
और मकसद असल में ये है कि हम अच्छी हैबिट्स को ज्यादा मजबूत करें, ज्यादा स्ट्रेंथन करें अपने अंदर। दूसरी एंट्री की मिसाल भी मैं आपके सामने रख रहा हूँ जी, दिस इज जस्ट फॉर योर हेल्प। डेट लगाई, उसके बाद टुडे व्हाइल आई वाज टोटली इन्वॉल्वड इन वाचिंग अ टेनिस मैच एंड व्हाइल द मैच वाज इन अ टेंस सिचुएशन आई रिसीव्ड अ कॉल फ्रॉम माय सन। When I saw his number displayed on the screen of the phone, I felt irritated at being disturbed. ये important बात है जी। आप अगर कभी किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा involved हो और पूरी तरह से engrossed हो और उस वक्त आपको phone आ जाए तो आपके अंदर एक irritation की feeling develop हो सकती है। I felt irritated at being disturbed at this tense moment. However, I answered the phone. When my son told me that tomorrow was the last day to deposit his college fee, I retorted with frustration that he should have informed me earlier and that he's a very irresponsible person who keeps wasting his time. Wo jo gussa, jo frustration hai, uske natije mein jo response hai, wo bhi retort ban gaya aur uske natije mein ye baat nikal gayi. Although he tried to tell me that it was not his fault and that the college had informed him a few minutes ago, I refused to listen to him and hung up the phone. Sometime later, aam taur par ye hota hai jab hum reaction karte hain ki kuch der ke baad ye realization paida hoti hai that I was very rude in my response and so I called him to apologize for it. In retrospect, retrospect ka matlab hai ki jab main piche mud ke dekhta hu, so I realized I had ignored the guideline of being aware of and honoring my emotional state. I think that with my current emotional state of being tensely engaged in the match, I should have told my son that I was distracted and we should talk later. Doing so would have saved me from responding rudely and from calling back to apologize for my mistake. ये एक नेगेटिव एंट्री है जी। नेगेटिव का मतलब ये है कि जिधर आई कुड नॉट कीप द गाइडलाइंस इन माय माइंड और मैं मिस कर गया। ये वो गाइडलाइन है अगर आपको याद हो कि जिसमें ये बड़े स्ट्रेस के साथ ये कहा गया कि अपनी इमोशन से अवेयर होना चाहिए। आप एक गुफ्तगू शुरू करने लगे हैं और आप एक टेंस सिचुएशन में है, यू आर फीलिंग टेंस, यू आर फीलिंग स्ट्रेस्ड, यू आर फीलिंग टोटली इन्वॉल्व्ड इन समथिंग, तो उसके नतीजे में जो डिस्ट्रैक्शंस होंगी वो आपको थोड़ा सा इरिटेट कर सकती हैं। ये वो मौके होते हैं कि जिस वक्त अगर कोई फ़ोन आपको जवाब देना पड़े भी तो आपको ये कह देना चाहिए कि जी मैं इस वक्त बहुत किसी चीज़ में बहुत इन्वॉल्व हूँ, अगर आप थोड़ा सा टाइम दें तो आई विल कॉल यू बैक एंड वी कैन टॉक अबाउट इट। ये कोई रूडनेस नहीं है, ठीक है जी। वी कैन गेट इन्वॉल्व, वी कैन बी एंगेज। ये जो चीज़ें हैं जो मैंने अभी आपके साथ शेयर की, ये असर क्यों डालती हैं, यानी why do I think कि ये चीज़ जो है अगर आप ऑनेस्टली ये एंट्रियाँ करेंगे तो आपकी ज़िंदगी पर असर पड़ेगा, ये समझना भी बड़ा ज़रूरी है जी। इंसान जब ये समझता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो गलती हो गई है और उसका सलूशन सोचता है, ये देखें यहाँ पर एक सोच आ रही है। आप असल में सिर्फ ये नहीं सोचते कि ये एक्शन यूं होता, बल्कि आप एक पूरा सीन क्रिएट करते हैं। ये जो इमेजिनेशन है आपकी, ये असल में हमारे दिमाग की रियलिटी बननी शुरू हो जाती है अगर हम इसको कॉन्टिन्यूसली इमेजिन करते जाएं। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इसको समझना बहुत जरूरी है। हमारा दिमाग अब रियलिटी में और इमेजिनेशन में फर्क नहीं करता जी। व्हेन वी इमेजिन समथिंग, इट एक्चुअली बिकम्स रियल फॉर आवर ब्रेन, और वो ऐसे ही होता है जैसे दिमाग ने उसको एक्सपीरियंस किया है जी। उसके फिजिकल इमोशनल इम्पैक्ट होते हैं कुछ, और ये वो चीज है जिसकी तरफ ये जो रिफ्लेक्टिव जर्नल है ये हेल्प करता है कि हमें वो इमेजिन करने पे मदद करता है कि हम जो अच्छे रवैये हैं उनको इमेजिन करें कि हाउ कैन वी बी मोर स्ट्रेंथन्ड इन दोज एटीट्यूड्स एंड रिस्पॉन्सेज, और किस तरह से जो वो चीजें हैं कि जो गलत है उनसे अपने आप को निकाल सकते हैं। ये रिफ्लेक्टिव जर्नल है जी। मैं ये चाहूंगा कि आप मेरी बात मानकर कुछ देर के लिए, कुछ अरसे के लिए इसको ट्राई करें एंड यू विल फील सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस इन दैट, सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस अपने आप में अवेयरनेस के बारे में, अपनी इमोशनल और थॉट रेगुलेशन के बारे में। यू विल फील मच बेटर इंशाल्लाह।
Thank you, Ji. Inshallah, I'm now available for the questions that you might have about these slides. Or agar ispe koi cheez clarification ki ho to wo pooch lijiye, varna iske bare mein agar koi bhi sawal karna chahegi. Thank you very much, Ji. Assalamu alaikum, Moiz sahab. Kya haal hai aapka? Alhamdulillah, Ji. Main theek, shukriya. Moiz sahab, aapne jo bhi samjhaya, it makes a lot of sense. But ye mujhe bataein ki ye to aap apne liye likh rahe hain. Agar aap ek conversation mein you find the other person is doing exactly the wrong thing which you have stated for yourself, to phir wo to nahi journal likh raha, to usko kis tarike se aap samjha sakte hain ki please reflect on how you spoke, please reflect on what you did, and maybe write down the same way, because sometimes people don't, they think what they've said or what they've done is right. But doesn't this, won't this become a problem? Apne aap improvement kar rahe hain, but जिसके साथ आप डील कर रहे हैं उसकी वो कैसे इम्प्रूव करेगा? वो जब तक खुद चाहेगा नहीं जी, आप उसको इम्प्रूव नहीं करा सकते. एक प्रॉब्लम ये है कि हम ये चाहते हैं, बेशक चाहे, और ये चाहत हमारी कितनी ही स्ट्रांग क्यों ना हो, कि हम किसी की हेल्प करें या किसी को समझाएं कि वो अपने रवैये को बेहतर करे. अनफॉर्चुनेटली इसकी कुछ लिमिट्स हैं, और सबसे बड़ी लिमिट ये है कि हम बात बता सकते हैं. देखिए, जिस तरह मैंने अर्ज किया कि ये मैंने आपके साथ एक पूरा एक आइडिया शेयर किया है अबाउट राइटिंग डाउन अ रिफ्लेक्टिव जर्नल, मैं ये शेयर ही कर सकता हूँ, किसी को लिखवा नहीं सकता. ठीक है जी, कितने लोग लिखेंगे, कितने नहीं लिखेंगे, कितने लोग इसको समझते हैं कि इसकी ये काम करेगा, कितने लोग समझते हैं कि नहीं करेगा. वो समझते हैं कि काम करेगा लेकिन अभी अभी है टाइम, इसको ले लेंगे, देयर आर मेनी मोर इम्पोर्टेंट थिंग्स इन लाइफ. तो ये सब कुछ जो है, ये दिस इज योर थॉट प्रोसेस, और आपने इसके मुताबिक अपनी जिंदगी के बारे में फैसले करने हैं. लाइकवाइज जिनके साथ आप कॉन्वर्सेशंस कर रहे हैं, वो दे आर गोइंग टू डिसाइड अबाउट देयर लाइफ अकॉर्डिंग टू देयर ओन अंडरस्टैंडिंग एंड सिचुएशंस. इसमें हम बहुत ज्यादा उनकी उनको फोर्स नहीं कर सकते, उनको कंट्रोल नहीं कर सकते, ना करने की कोशिश करनी चाहिए. जो पूरे का पूरा ये प्रोग्राम है, इसका टारगेट मैं हूँ. ठीक है जी, मैं इस दुनिया में जब जीता हूँ, मैं इस दुनिया में जब इंटरेक्ट करता हूँ, मैं जब काम कर रहा हूँ, लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहा हूँ, तो इसके नतीजे में मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं. मैं कभी गुस्से में आ जाता हूँ, मेरी थॉट्स मेरे कंट्रोल में नहीं रहती है, ये सब कुछ होता है मेरे साथ. ये जो प्रोग्राम है वो ये नहीं बता रहा कि आप दूसरे को कैसे हेल्प कर सकते हैं. ये प्रोग्राम सिर्फ ये बता रहा है कि मैं क्या करूँ, क्योंकि इस दुनिया की जो जिंदगी की मुझे मोहलत मिली हुई है, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज मुझे हासिल करने की जद्दोजहद करनी है, वो ये कि अपने आप को सही करके इस दुनिया से रुखसत होने का टाइम जब आए तो मैं अपने आप को सही कर चुका हूँ, या कम से कम मेरी डायरेक्शन ठीक हो. आई एम मूविंग इन द राइट डायरेक्शन. अच्छा, ये एक बात, तो इसको तो बड़ी अच्छी तरह से हमको समझ लेना चाहिए. अब आइए दूसरी तरफ, यानी एज मच एज आई इम्प्रूव माई सेल्फ, ऑटोमेटिकली मेरी जिंदगी का, मेरी जात का इन्फ्लुएंस अपने अपनी सराउंडिंग्स में ज्यादा पॉजिटिव हो जाएगा. वो उसकी पॉजिटिविटी जो है, वो जिस जिसको अल्लाह ताला तौफीक देगा वो उससे ले सकता है, फायदा उठा सकता है, और जिसको अल्लाह ताला की तरफ से तौफीक नहीं मिलनी वो फिर भी फायदा नहीं उठाएगा. लेकिन बहरहाल मेरी जिम्मेदारी जो है, एज मच एज आई नो, एज मच एज आई अंडरस्टैंड, वो सिर्फ अपने आप को ठीक करना है, अपने इन्फ्लुएंस को बेहतर करना है. अपने आप को ठीक करूंगा मैं तो ऑटोमेटिकली मेरा इन्फ्लुएंस बेहतर होना शुरू हो जाएगा. दिस इज व्हाट आई नीड टू अंडरस्टैंड एंड दिस इज व्हाट आई नीड टू रियली फोकस ऑन. आप की बात जो है, मैं इसमें एक और चीज भी चाहूंगा कि अर्ज कर दूं कि जितना आपकी सिचुएशन आपको टेस्ट करेगी, जितना ज्यादा आपको टेस्ट करेगी और आपको ये बताएगी कि यहाँ पर फिर मुश्किल हो गई है, यहाँ पर फिर मैं फेल हो रहा हूँ, यहाँ पर फिर मेरे लिए अंदर एक बहुत बड़ी रेजिस्टेंस पैदा हो रही है इन रूल्स को फॉलो करने में, तो ये याद रखिए कि ये जो एनवायरनमेंट है ये आपको सपोर्ट कर रही है आपके पोटेंशियल को, अच्छाई के पोटेंशियल को उजागर करने में. सो टेक दैट एज अ वेरी पॉजिटिव थिंग फॉर योरसेल्फ, और अल्लाह ताला से दुआ करें कि हम ये जो अपॉर्चुनिटीज ही सेंड्स आवर वे, इससे हम अच्छी तरह से फायदा उठा सकें इंशाल्लाह. But Moisab, can you at least suggest ki please aap zara sa reflect kare, whoever you're talking to, ki what you said or what you did was a painful thing. आप जरा सोच लें कि was this a good idea? जैसे आप कह रहे हैं उसको भी जरा से suggestion तो आप दे सकते हैं. दे सकते हैं. Write down कर लें कि अच्छी बात नहीं है इस तरीके से कहना, and then
leave it. I know this is for myself, but I totally agree with you. You can suggest, and that would obviously depend on your relationship with the other person. अगर आप ये समझते हैं कि हमारा रिलेशनशिप इतने ट्रस्ट पर मबनी है कि हम ये सजेस्ट कर सकते हैं, तो जरूर कीजिए। ये उसकी खैरखाही के लिए कीजिए, इसलिए नहीं कि आपके लिए आसानी हो, इसलिए कि वो एक बेहतर इंसान बन सके। ये स्पिरिट है, जरूर करें। अच्छा रिलेशनशिप है, जरूर करें। अगर अच्छे रिलेशनशिप में दरार पड़ी हुई है तो फिर पहले ट्रस्ट बिल्ड करें, वरना आपकी सजेशन का फायदा कोई नहीं होगा। मैं सिर्फ बच्चों का, दोस्तों का, स्पाउस का जनरल सोच रही हूँ, इवन फ्रेंड्स को, कि भाई जरा सोच लो ये आज क्या बात हुई है। जरूर करें, जरूर करें। देखिए, ये अगेन, बच्चे हो, दोस्त हो, स्पाउस हो, फ्रेंड्स हो, जो भी है, अगर मेरा रिलेशनशिप ट्रस्ट पर मबनी है तो मैं उनको, यानी ट्रस्ट का मतलब क्या है? ट्रस्ट का मतलब ये है दैट दे नो मी, that I am not trying to be defensive, I am not trying to protect myself, I am being a well-wisher. Agar ye baat hai, and they will take you positively, jab trust hoga to aapki baat ko positively liya bhi jayega. To ye situation hai, zarur kijiye. Aur ye situation nahi hai, to phir is pe working karne ki zarurat hai ki hamara relationship positive ho jaye. Shukriya bahut-bahut. Most welcome. Thank you. जी, बहुत शुक्रिया सर। मैंने ये पूछना था कि मैं इस मामले में बहुत कमजोर हूँ, कि ये जो इरिटेशन और गुस्सा मुझे अपने से कमजोर लोगों पे ज्यादा आ जाता है, जैसे बच्चों पे या मुलाजम पे, ये मुझसे कंट्रोल ही नहीं होता। मैं जब से क्लास ले रही हूँ, काफी देर से कोशिश कर रही हूँ कि मैं इस मामले में कुछ बेहतर हो जाऊं, लेकिन मुझसे ये नहीं हो पा रहा। इसके बारे में मैं क्या करूँ? और मेहनत करें। देखिए, ये जो है ना बात कि ये मेरे से नहीं हो पा रहा, इसको कभी डिस्करेज ना, इससे कभी यानी डिसहार्टेंड ना फील करें। आप नहीं कर पा रही, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनको हमें आइडियल बनाकर उनकी जद्दोजहद करनी है और उसमें हौसला नहीं हारना है। यही हमारी जिंदगी का टेस्ट है जी। यानी जो चीज ज्यादा मुश्किल फील हो रही है आपको, आप उसमें छोटी मिसालों से शुरू कर लें। कि देखिए, मैं एक चीज आपको बताता हूँ, आपने बड़ी अच्छी और बड़ी ऑनेस्ट बात फरमाई है, एंड आई रियली Really commend you for that, के अपने से कमजोर लोगों पे ज्यादा प्रॉब्लम होती है। इसलिए क्योंकि अपने से हायर अप्स के लिए या अपने से ज्यादा स्ट्रॉन्गर लोगों के लिए हमारा फायदा इसमें होता है कि अभी गुस्सा ना किया जाए। ठीक है जी, वो जो हमसे कमजोर लोग हैं वो अनफॉर्चुनेटली ये हौसला नहीं कर सकते। मतलब मैं अपने छोटे बच्चे को अगर परे धक्का दे दूंगा तो वो मुझे इन रिटर्न कुछ नहीं कर सकता आज, कल को पता नहीं क्या करेगा, लेकिन आज तो कम से कम कुछ नहीं कर सकता। तो दिस इज द टाइम, यही वो टाइम है जिसके बारे में ज्यादा कॉन्शियसनेस पैदा करके, और ये देखें कि क्यों आ रहा है गुस्सा। ये जब आप इसको, जिसको मैंने अभी सजेस्ट किया, रिफ्लेक्टिव जर्नल क्रिएट करना शुरू करेंगी, तो आपको अपनी हिडन थॉट्स सामने आनी शुरू होंगी कि मैं इस वजह से फ्रस्ट्रेटेड हूं, मैं इस वजह से इरिटेबल हो जाती हूँ ज्यादा इस मौके पर। और ये ऐसा नहीं होगा कि हर वक्त ही सारा दिन आपको आता रहेगा, आप कुछ चीजों में इन्वॉल्व है। मिसाल के तौर पर मैं इस वक्त यहाँ बैठा हूँ, एक क्लास ले रहा हूँ, उसमें आकर कोई मुझे डिस्टर्ब करना शुरू कर दे यहाँ से, घर से, तो मेरा रिस्पांस और होगा। वरना अगर मैं आराम से बैठा हूँ, यू नो आई हैव नथिंग रियली इम्पोर्टेंट डूइंग, तो अगर माई ग्रैंड सन वुड कम टू मी और मेरी झोली में चढ़ के बैठ जाए, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इस मौके पर मैं इरिटेबल हो जाऊंगा, मैं अपनी बेटी से कहूंगा कि तुम क्यों नहीं देख रही हो, मैं उसकी मेड से कहूंगा कि क्यों नहीं आप देख रही हैं, एंड सब लोग जो हैं वो, बिकॉज आई एम इन्वॉल्व। तो आप किस चीज में इन्वॉल्व हैं उस वक्त और क्या अरेंजमेंट्स कर सकती हैं कि ये चीज आपको गुस्सा ना चढ़ाए। ट्राई टू राइट इट डाउन। आप ये देखिए, जो अभी आपने फरमाया ना जी कि आप नहीं कर पा रही हैं, बहुत अच्छी बात है। इंशाल्लाह मैं आपको गारंटी करता हूँ कि आप सिंसियर एफर्ट करें, अल्लाह ताला से दुआ करें, ये जो मैं आपको टूल बता रहा हूँ आप इसको प्रैक्टिस करना शुरू कर दें, एंड राइट बैक टू मी, मेरे ईमेल में मुझे लिखें, इंशाल्लाह बहुत जल्द आपकी तरफ से आएगा जी कि मेरे अंदर कुछ डेवलप होना शुरू हो गया कंट्रोल, एंड आई एम वेरी वेरी ग्लैड अबाउट इट, और अल्लाह का शुक्र अदा करूं उस पे। बट डोंट गिव अप, इंशाल्लाह। ये जिंदगी असल में इसी चीज की तो आजमाइश है जी, इसमें हौसला कभी नहीं हारना है। और अपनी लैंग्वेज को ना जी हम चेंज करने की कोशिश करते हैं, यानी चेंज करने का क्या मतलब है, हमारी कुछ लैंग्वेज के एस्पेक्ट्स ऐसे हैं जो डिसएम्पावरिंग है। डिसएम्पावरिंग का मतलब है कि मैं ये नहीं कर सकता, अगर मैं नहीं कर सकता तो मैं जिम्मेदार भी नहीं हूं। मैंने अभी इसके अंदर
एडिक्वेट मेहनत नहीं की है, मुझे मैं अभी तक ये नहीं कर सका हूं, मुझे और मेहनत करके इसको करना है। तो ये जो अपनी लैंग्वेज है इसको ज्यादा एम्पावरिंग लैंग्वेज बनाए कि मैंने अभी तक जितनी मेहनत की है वो नाकाफी हुई है, इंशाल्लाह अब ज्यादा करनी है। अल्लाह ताला आपकी और मेरी सबकी मदद फरमाएगा इंशाल्लाह। आमीन इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सर मैंने बहुत कोशिश करके खुद को सुधारा है, मैं बहुत पजेसिव और गुस्से वाली थी बहुत ज्यादा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने खुद पे बहुत वर्क किया है। बस अब जो सिर्फ मेरे बच्चों पे अक्सर मुझे बहुत इरिटेशन हो जाती है, और बेटी मेरी समझदार है, 9th क्लास की स्टूडेंट है, तो तब मुझे होता है कि ये समझती है लेकिन फिर भी मेरा साथ नहीं दे रही मेरे काम में, मतलब मुझे समझने में नहीं समझ पा रही, ऐसा कुछ मुझे फील होता है जिस वजह से मुझे गुस्सा आता है कि मैं बता चुकी हूँ कि ये बात ठीक नहीं है, ऐसे ना करो, लेकिन नेक्स्ट में फिर वही हो रहा है, तो तब मुझे इरिटेशन ज्यादा उस वक्त हो जाती है कि मैं पहले बता चुकी हूँ कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ये ज्यादा मसला कर रहा है। मैं आपसे अर्ज करता हूँ विदाउट बीइंग क्रिटिकल अबाउट एनीथिंग, देखिए मेरा खुदा ना खास्ता इस मामले में मैं इस पोजिशन ही में नहीं हूँ कि किसी पर क्रिटिसाइज कर सकूं, मैं तो खुद मोहताज हूँ इम्प्रूवमेंट का। इसलिए एक चीज को ध्यान में रखिएगा, ये जो बात आपने फरमाई है इसके अंदर देखिए कितनी ज्यादा, अगर थोड़ा सा इसके अंदर डीपली जाएं तो कितना सबक है। आपने अभी ये फरमाया है जब बात का आगाज करते हुए कि आप जानती हैं कि कुछ चीजें अच्छी हैं लेकिन आप कर नहीं पाती हैं, ये जब हम रिकग्नाइज कर लेते हैं अपने अंदर तो फिर अब हमारे अंदर एम्पथी पैदा हो सकती है अपनी उस बेटी के लिए भी जिसको हमने अभी समझाया है लेकिन वो फिर वही काम कर रही है, ठीक है जी, वो भी असल में इसी चक्कर में है, उसको भी अभी बात अपने दिल से समझ नहीं आ पा रही या वो कंट्रोल नहीं डेवलप कर पा रही, उसके लिए अपने दिल में रहम क्रिएट करना शुरू कर दे, इंशाल्लाह ये ठीक हो जाएगी, वो भी ठीक हो जाएगी और मैं भी ठीक हो जाऊंगा, सब ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह, कोशिश नहीं छोड़नी है, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जजाकल्लाह सर, बहुत बहुत दुआएं आपके लिए, अल्लाह ताला आपको बहुत जजाए खैर दे, आमीन, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का। अच्छा सर, मैं आज के लेक्चर से ये समझूं जो रिफ्लेक्टिव जर्नल है कि अगर कोई इवेंट ऐसा हो जाए नेगेटिव और पॉजिटिव और उसको आप रिकॉर्ड कर लें तो आप बेहतरी की तरफ अपने आप को लेकर जा सकते हैं, लेकिन सम टाइम जिसे कहते हैं हीट ऑफ द मोमेंट, उसमें आपको पता ही नहीं चल रहा होता कि आप रिटोरिक क्वेश्चन कर रहे हैं या कोई टॉन्ट कर रहे हैं या कोई इस तरह की स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो क्या इस प्रैक्टिस से हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, इवन दो कि हम उस वक्त रियलाइज, उसके फौरन बाद रियलाइज हो जाता है लेकिन वो जो हीट ऑफ द मोमेंट होती है उसमें रियलाइज भी नहीं होता अक्सर औकात। क्वाइट राइट, आपकी बात बिल्कुल ठीक है जी, ये जिसको आपने फरमाया इन द हीट ऑफ द मोमेंट, हमें बगैर रियलाइजेशन के और बगैर अवेयरनेस के हमारी तरफ से एक एक्शन हो जाता है, इसको रिएक्टिविटी कहते हैं जी, वी बिकम मोर रिएक्टिव, और ये इसकी कई वजूहात हैं, इसको भी समझना बड़ा जरूरी है और मेरा ख्याल है कि इसको समझ के काफी इंटरेस्टिंग इंसाइट्स आपके अंदर डेवलप हो सकती हैं। हमें ये जो ख्याल है ना जी कि अगर कोई गुफ्तगू हो रही हो या कोई बातचीत हो रही हो तो फौरन रिस्पॉन्ड करना है, ये ख्याल हमारे अंदर असल में कंडीशनड है, ये बात कि किसी ने कुछ कह दिया है तो अब जरा थोड़ी देर के लिए गौर करके फिक्र करके समझिए सोच के अपनी अपने प्रिंसिपल्स को सामने रख के हम रिस्पॉन्ड करेंगे, हम ये क्यों नहीं करते, इसमें टाइम लगेगा, और हमको बचपन से ये कंडीशन दी गई है कि अगर कोई इशू पैदा हो गया है तो इसको विन लूज सिचुएशन बना लेते हैं हम, ठीक है जी, अगर मैंने फौरन जवाब नहीं दिया तो मैं हार जाऊंगा और अगर बात यहाँ पर नहीं हुई तो मैं फिर आई डोंट नो, इसका मतलब है मैं नहीं जानता हूँ, मुझे ये इंप्रेशन नहीं देना है कि मैं नहीं जानता हूँ, मुझे तो फौरन जवाब देना है, ये जो कंडीशनिंग है हमारी अगर आप याद करें तो ये स्कूल में हुई है, आपको याद होगा बचपन में, और बचपन में भी और घर में भी, स्कूल में भी घर में भी, बचपन में और फिर अर्ली एडोलेसेंस के टाइम तक आप अगर गौर करें एडोलेसेंस के टाइम तक, तो वो असल में आपको अगर टीचर ने सवाल किया है तो आपको फौरन हाथ खड़ा करके जवाब देना चाहिए, इफ यू हैव स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट इट तो टीचर भी आपको कहती है कि तेरी तो मैं नहीं आता किसी और से पूछ लेती हूँ, तो वी नीड टू बी क्विक इन आवर आंसर्स, ये कोई अल्लाह ताला का फैसला नहीं है कि आपको जल्दी जवाब देना है, रोक लें,
और रोक कर गौर करने कि मैं क्या कह रहा हूँ। ये जो मैंने आपके साथ अभी शेयर की है चीज, ये असल में उन रिएक्टिविटीज के मवाकों ही में आपकी मदद करना शुरू कर देगी, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ी सी कंसिस्टेंट एफर्ट करनी पड़ेगी कि आप ये जर्नल वाकई लिखें फॉर द लेट्स से फॉर द नेक्स्ट 20 डेज। अगर आप लिखें 20-25 दिन लिखें और फिर अगर आप समझते हैं कि कोई फायदा नहीं हुआ, छोड़ दें और मुझे भी बता दें कि तुमने ये जो सजेस्ट किया था इसका कोई फायदा नहीं हुआ। मैं आपको अपने तजर्बे से, अपने अपने साथियों के तजर्बे से ये बता रहा हूँ कि इंशाल्लाह जरूर फायदा होगा, बट यू हैव टू बी कंसिस्टेंट विद दिस एफर्ट। आप इसको 20-25 दिन करके देखिए, लुक बैक ऑन योरसेल्फ, आपकी रिएक्शंस कुछ कंट्रोल में आए, सारे नहीं आएंगे कंट्रोल में, देखिए ये तो एक लाइफ लॉन्ग जिद्दोजहद है। आपको जब आप महसूस करेंगे कि अब मैंने सारे रिएक्शंस कंट्रोल में कर लिए, तो असल में अपनी ये आपकी गलती होगी, बहुत सारी चीजें फिर से होनी है जो कि बिल्कुल नहीं होंगी, जिनको आप बिल्कुल नहीं फोर्सी कर रहे थे, उस मामले में फिर आप रिएक्टिव हो जाएंगे। बट दिस जर्नलिंग इज गोइंग टू कीप हेल्पिंग यू और इंशाल्लाह हमारी डायरेक्शन ठीक तरफ हो जाएगी कि हमने अपनी पर्सनल साथी इम्प्रूवमेंट का काम करना है। हमदा साहब, मैं आपकी बात का जवाब कुछ दे पाया हूँ जी, मैं जो चीज अर्ज कर रहा हूँ समझ में आ गई जी बात? जी सर, थैंक यू, मोस्ट वेलकम जी, बहुत शुक्रिया जी। सब ये जर्नलिंग का जो है ये मैं लास्ट 3 ईयर से कर रही हूँ, लेकिन right. मुझे तो जब मैं देखती हूँ, मैं कुछ इश्यूज में अभी भी एक ही तरह का पैटर्न लिखती जा रही हूँ और उसमें एक दफा मैं भूल जाती हूँ, तो मतलब वो रिफ्लेक्टिव कि मतलब अपना बिहेवियर चेंज करूँ, लेकिन right. वो नहीं हो रहा right. इसमें मैं मतलब क्या गलती क्या कर रही हूँ या समझ नहीं रही हूँ, ये चीज मुझे थोड़ा सा अगर आप एक्सप्लेन कर सकें। मेरी गुजारिश ये होगी जी कि एक दफा ये जो टॉपिक है ना जी पूरा, यानी एक दफा उसको देख लें, अगर आप महसूस करते हैं कि आप ये सारी चीजें लिख रही हैं जो यहाँ पे मैं सजेस्ट कर रहा हूँ कि ये चीजें उसमें आनी चाहिए, अगर आप महसूस करते हैं कि नहीं ये सारी चीजें आप लिख रही हैं, तो फिर मुझे एक दफा अलग से अगर आप पसंद फरमाएं तो मुझे अपने एक जर्नल की एक सैंपल भेज दें, मैं उसको देख के आपको बता सकूंगा। इसके बगैर मुश्किल है, मैं जो चीज अर्ज कर रहा हूँ उसमें बड़े असेंशियल एलिमेंट्स हैं, यानी जिधर गलती हो जाए उधर आपने अपने आप को सजेस्ट भी करना है और इसको लिखना है कि मैं आइंदा ये कोशिश करूंगी, ठीक है जी, दिस इज हाउ आई कैन इम्प्रूव माई थॉट्स, क्योंकि अल्टीमेटली आप जो नहीं हो पाएगा आपसे वो ये है कि या तो आपकी थॉट्स आपके कंट्रोल में नहीं आ रही, ठीक है जी, यू आर बीइंग स्वेड बाय एन ऑटोमेटिक थॉट और उसको हमने एक कॉन्शियस थॉट बनाना है, और या फिर कोई फीलिंग्स हैं जो किसी मेंटल पैटर्न की वजह से। सो इफ यू कैन जस्ट ट्राई इट आउट, आप इसको एक दफा एक नजर देख लीजिएगा ये जो मैंने आज आपसे शेयर किया है, अगर आप महसूस करते हैं कि नहीं ये सारी चीजें जो इसमें लिखी हुई हैं वो आप लिख रही हैं, तो फिर मुझे एक दफा अपनी एक जर्नल एंट्री, अपनी सैंपल जर्नल एंट्री भेज दीजिएगा, इंशाल्लाह वी कैन टॉक अबाउट इट इंशाल्लाह। ठीक है जी, ठीक है, थैंक यू जी, मोस्ट वेलकम जी। आयशा असद साहब, आप अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जैसा मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या अच्छी आदतें डेवलप हो जाना जो है वो अच्छा है, मतलब अनइंटेंशनली हम कोई अच्छा रवैया अख्तियार कर लें ये अच्छी बात है या ऐसा नहीं होना चाहिए? नहीं देखें, आप अच्छी आदत डेवलप कर लें ये बड़ी अच्छी बात है, यानी आप ये फरमा रही हैं कि कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली हम अच्छे काम कर रहे हो। जी जी जी, ये होता कम है जी। देखिए मैं आपसे अर्ज करता हूँ क्यों कम होता है, ये मैं वजह बता देता हूँ। हम आम तौर पर जो अच्छा स्टेप है ना जी, वो उसके लिए एफर्ट चाहिए होती है, उसकी कुछ कॉस्ट्स इन्वॉल्व होती हैं। अगर हम उनके बारे में इफ वी आर नॉट वेरी कॉन्शियस ऑफ देम, तो अनकॉन्शियसली हम उस तरफ जाते नहीं है। ये ऐसे ही है जिस तरह से पानी को अगर आपने ऊपर की तरफ लेके जाना है तो आपको फोर्स प्रेशर यूज करना पड़ता है। मिसाल के तौर पर आपको महसूस होता है कि हम अपने पेरेंट्स की मौजूदगी में एक खास तरह बिहेव कर देते हैं विदाउट इवन थिंकिंग मच अबाउट इट, तो ये असल में अच्छा एक्शन है नहीं, क्योंकि अगर वो नहीं होंगे तो उस एनवायरनमेंट में शायद आप ना कर रहे हो।
या मिसाल के तौर पर एक और मिसाल लीजिए कि दुबई में आप जो ट्रैफिक के रूल्स हैं उनको हर आदमी फॉलो कर रहा है, ठीक है जी, लेकिन क्यों फॉलो कर रहा है? बिकॉज एवरीबडी थिंक्स के अगर मैंने ना फॉलो किया तो कोई चांस नहीं कि मैं बचूंगा, नंबर एक, मैं पकड़ा जाऊंगा, नंबर दो, मैं जब पकड़ा गया तो फिर उसके बाद मुझे आई विल हैव टू बेयर द बर्डन ऑफ द लॉ, मुझे कोई बचा नहीं सकेगा। पाकिस्तान में ये दोनों ही चीजें नहीं है, ठीक है ना जी, उसमें हमने आदत बना ली है, लेट से एक आदमी ने एक आदत बना ली है कि मैंने हर दफा लाल बत्ती पे रुकना है, तो ये शुरू में एफर्ट तकाजा करेगा, इस चीज एफर्ट तकाजा करेगी इस काम को करने में, और आहिस्ता आहिस्ता ये इट बिकम्स इजियर। अभी जो मैंने आपको मिसाल के तौर पर ये बताया ना जी, लर्निंग जर्नल भी है, रिफ्लेक्टिव जर्नल भी है, ये जो जर्नलिंग की एक्सरसाइज है, जब आप इसको शुरू करेंगे तो आपको पहले दिन हो सकता है कि आधा घंटा लग जाए, हो सकता है 40 मिनट्स लग जाए, क्योंकि पहली दफा कर रहे हैं आप, आहिस्ता आहिस्ता ये एफर्टलेस होनी शुरू हो जाएगी चीज, तो इस लिहाज से तो पॉसिबल है, लेकिन अच्छा करने में जनरली इट विल टेक अ कॉन्शियस एफर्ट। कहते हैं जी, हम बचपन से एक हदीस सुनते आ रहे हैं कि बुराई को हाथ से, जुबान से और आखिरी दर्जे में दिल से बुरा जाने, इस पर मेरा ख्याल है जी किसी रिलीजियस स्कॉलर से बात की जाए और उनकी राय ली जाए। मेरी जो ये राय है वो यही है कि ये अपने दायरा इख्तियार में हो सकती है बात, जिस तरह से जावेद साहब फरमाते हैं। मुझे एक और बड़ी प्रॉब्लम है इस रिवायत में, सिर्फ ये नहीं है कि ये अपने दायरे इख्तियार में है, यानी इंसान अगर ये अथॉरिटी रखता है किसी चीज़ के ऊपर, लेट से मैं अपने बच्चों पर ये अथॉरिटी रखता हूँ कि मैं उनको बुराई से रोक दूँ, मतलब विद फोर्स रोक दूँ, तो इसके नतीजे में क्या वो बुरे काम से नफरत डेवलप हो जाएगी उनके दिल में? मैं नहीं जानता हूँ, ना मेरा ये ख्याल है जी। बुरे काम से नफरत असल में इंटरनलाइजेशन से होती है, किसी के फोर्सफुली रोक देने से नहीं होती है। इसलिए मेरे तो इस पे इस रिवायत के ऊपर बहुत सारे सवाल आते थे। जहाँ तक हदीस का ताल्लुक है, मैं उसके बारे में आई एम वेरी स्केप्टिकल कि लोग जो हैं बड़े आराम से ये कहते हैं कि ये पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया है वो असल में हो सकता है सहाबी ने जो समझा हो वो उसमें ऊंच-नीच हो गई हो। हम हदीस का जो पूरे का पूरा जखीरा है वो जिस प्रेमिस पे बेस्ड है उसको समझ लें और फिर उस पर आप गौर कर लें कि क्या ये प्रेमिस ठीक है, यानी इसकी कुछ अजम्पशंस हैं। मैं इन अजम्पशंस के बारे में आप तक कुछ शेयर करना चाहता हूँ। हदीस ये कहती, यानी हदीस के पूरे का पूरा पन्ने रिजाल और ये सारी चीज़ें जो इल्मुल हदीस में शामिल है, वो उनकी अजम्पशन ये है कि एक सच्चा आदमी, एक फहीम आदमी, एक दयानतदार आदमी जब बात कहेगा तो वो ठीक होगी। ये बात जो है ये फैक्चुअल नहीं है। यानी एक सच्चा, फहीम, दयानतदार, बहुत अकलमंद आदमी गलती खा जाता है। और दीन के मामले में जब आप इस चीज़ को सामने रखें तो हदीस में जो चीज़ बयान हो रही है, आप असल में ये कहें मिसाल के तौर पर कि बुखारी ने इससे सुना है कि इस, ये हर दफा वो पूरी सनद बयान करके कोशिश करके देखें कि ये सारे हर लेवल पे बात ठीक समझी गई है और ठीक कही गई है और फिर मुझ तक पहुंची है। इसके अंदर बड़ी प्रॉब्लम्स पैदा हो जाती हैं जी। इस वजह से मैं इसके बारे में बहुत ज्यादा, एक तो मैं क्वालिफाइड नहीं हूँ जी, आई डोंट थिंक दैट आई शुड बी टॉकिंग मच अबाउट इट, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट आई थिंक इस अजम्पशन पे जरूर गौर कीजिए कि क्या ये बात ठीक है, कि आपको इत्मीनान है, कि आप समझते हैं कि हर सच्चे आदमी को ऐसे जो बात सुनी जाए वो ठीक होती है। लाजमन इट इज द एब्सोल्यूट ट्रूथ कि उसने अगर किसी को एस्क्राइब किया है ये बात कि ये इसने ये कही थी, यहाँ पर लेट से थोड़ी देर के लिए अज्यूम कर लें कि सब लोग जो हैं बैठे हैं बिल्कुल सच्चे हैं, बड़े फहीम हैं, दयानतदार हैं, समझदार हैं, और ये वो बयान करते हैं जाके कि जो मैंने अभी हदीस के बारे में कहा है तो क्या कहा है, तो आप यकीन करें कि ये बातें जो है बिल्कुल डिफरेंट हो जाएंगी। तो इसलिए ये इट बिकम, मैं कोई रिलीजियस ज़ेहन से बात नहीं कर रहा हूँ, ये जो बात है कि जब कोई हदीस आती है तो ये लाजमन अल्लाह ताला की पैगंबर की बात है, ये इसके लिए हमें कोई सोर्स चाहिए इस पर यकीन करने के लिए, जिस जो मेरे पास नहीं है, सीरियसली नहीं है। मैं अल्लाह के पैगंबर के आगे तो सरे तस्लीम खा, मैं अगर उन्होंने कहा है तो उस पर कोई सवाल ही नहीं हो सकता। सवाल ये कि जिस चेन से ये मुझ तक पहुंच रही है बात,
इसके बाद मैं तो हर आदमी के बारे में ये बिलीव करने लग पड़ा हूँ कि ये अल्लाह का पैगंबर, ये कैसे हो सकता है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो मैं आपको थैंक करना चाहती हूँ कि आपके जो लेक्चर्स हैं इतना सब्सटेंस होता है जी उनमें, एंड ऑल्सो द वे यू कन्वे एवरीथिंग, मैं बहुत शुक्रिया आपका अदा करना चाहती हूँ जी। और उसके बाद मैं पूछना चाहती हूँ कि सर हम कभी भी जस्टिफाइड नहीं होते नाराज होने में या गुस्सा निकालने में, क्या पेंट अप रहना मतलब अच्छा होता है? क्या उसे फ्रस्ट्रेशन माउंट नहीं करती? और वो जो कहते हैं ना कि टू लेट आउट स्टीम, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? मतलब वैसे ही एक मेरे दिल में आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जी। मैं एज वी प्रोग्रेस इंशाल्लाह, अभी जो हम बातें कर रहे हैं वो असल में थोड़ी सी अंडर कुक्ड है। अभी हम सिर्फ बेसिकली इसी वजह से आपने देखा होगा कि जो है ना जी ये रिफ्लेक्टिव जर्नल, इसमें मैंने कॉन्वर्सेशंस की गाइडलाइंस के हवाले से बात की है, ना कि प्रिंसिपल्स। जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये कि एज वी बिकम मोर एंड मोर कॉन्शियस ऑफ आवर फीलिंग्स एंड आवर थॉट्स, वी नीड टू रेगुलेट देम, नॉट सप्रेस देम। मैंने बार बार जो वर्ड यूज किया है वो रेगुलेशन का है जी। गुस्सा चढ़ना एक नेचुरल चीज है, बल्कि गुस्सा क्या चढ़ना, एवरी इमोशन, टू फील फ्रस्ट्रेटेड, टू फील इंटरेस्टेड, टू फील एंगेज्ड, टू फील डिस्ट्रैक्टेड, ये सारी इमोशंस जो हैं ये अल्लाह ताला की तरफ से, ये नेचर ने हमारे अंदर पैदा की हुई है, अल्लाह ताला ने पैदा की हुई है। इनमें से किसी इमोशन को भी गलत नहीं है वो, अलबत्ता जो इशू है और जिससे हम असल में सबक ले सकते हैं और अपने आप को बेहतर कर सकते हैं वो ये है कि ये जो इमोशन है ये मेरे अंदर पैदा क्यों हो रही है। अगर किसी थॉट से पैदा हो रही है तो मैं उसको थॉट को चेंज कर सकता हूँ। मैं इसकी आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ, यानी ये बात कि मैं एक आदमी को की गाली सुनकर तो तैश में आ जाऊं, ये वो इमोशन है कि जो जिसमें एक मेंटल पैटर्न इन्वॉल्व है मेरा। जैसे ही उसने सुनी मैंने कुछ सोचा नहीं, मैं इमीडिएटली गुस्से में आ गया हूं, और वो मेंटल पैटर्न ये है कि गाली गलत होती है। गाली गलत नहीं होती, पूरे का पूरा कॉन्टेक्स्ट है जो उसको गलत बनाता है। ये भी एक सोशल मेरी लर्निंग हुई हुई है। अच्छा, और ये कि गाली जो है वो जाहिर है कि मुझे समझ में आएगी तो गलत होती है, वरना हो सकता है वो जो कहा था ना किसी ने कि एक लतीफा है वो कि एक अरब से लड़ाई हो गई तो मैं उसको गालियां दे रहा था और मुझे कुरान सुना रहा था, तो ये भी एस्पेक्ट है कि वो उसकी बात समझ नहीं आ रही तो मुझे कोई आई वोंट फील एंगर्ड बाय इट, इट इज माय परसेप्शन, इट इज माय परसेप्शन। सो इफ आई चेंज माय परसेप्शन और इफ आई रिव्यू माय परसेप्शन, इट इज क्वाइट पॉसिबल कि मुझे ये समझ में आए कि यहाँ पर मेरी परसेप्शन चेंज भी हो सकती है, कुछ डिफरेंट हो सकती है। गुस्सा कब ठीक होता है जी, यानी इसकी बेहतरीन मिसालें जो आपको मिलेंगी वो तारीख में, मिसाल के तौर पर ये बात कि मैं अल्लाह के लिए गुस्सा करूँगा, मैं अल्लाह के पैगंबर के लिए गुस्सा करूँगा, मैं अल्लाह ताला की, मैं अपनी ईगो के लिए गुस्सा करने को अवॉइड करूँगा। अगर किसी ने मुझे नई अहमियत दी है तो मैं फिर भी उसको मैसेज कर दूंगा और जो मैं कहना चाहता हूँ मैं कह दूंगा अच्छी तरह से, मतलब इन अ गुड वे मैं उस तक बात कम्युनिकेट करूंगा। लेकिन जिधर मुझे ये महसूस होता है कि नहीं यहाँ पर मेरे मेरे दीन का, मेरे मजहब का ये तकाजा है कि मुझे इस बात पर गुस्सा चढ़ना चाहिए, और वहां पर भी इंसानों को मद्देनजर रखते हुए कि इट इज नॉट अबाउट व्हाट आई बिलीव इन, इट इज अबाउट व्हाट द ट्रूथ इज, और इन चीज़ों में गुस्सा चढ़ इनको रेगुलेट करके लेके जाना है जी। अपने आप को अल्लाह ताला का बंदा बनाते हुए मैंने अच्छा इंसान, अच्छे रिलेशनशिप्स, अच्छी इंटरेक्शंस ये पैदा करने हैं, सो दैट माय इन्फ्लुएंस एंड माय इम्प्रूवमेंट इज नॉट हिंडर्ड। इसको सामने रखते हुए मेरा ख्याल है कि हम सब इंसान हैं, हमसे गलतियाँ भी होंगी, और गलतियों में से सीखना जो है वो गलती को एक एसेट भी बनाएगा। अनफॉर्चुनेटली हम अगर नहीं सीख रहे गलती से तब है जो सीरियस लाइबिलिटी है जी हमारे ऊपर। बट आई होप दैट आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। आई एम नॉट एट ऑल सजेस्टिंग कि हम अपनी इमोशंस को सप्रेस करें। मेरी सजेशन, जैसा कि आगे चल के ज़्यादा वाजे होनी शुरू हो जाएगी इंशाल्लाह, वो ये है कि हम अपनी इमोशंस को रेगुलेट करें, हम अपनी इमोशंस को नेविगेट करें। ये जो इमोशंस की नेविगेशन है इसके नतीजे में वो सप्रेशन नहीं रहेगी आपको, यानी वो जो आपने कहा था ना टेकिंग आउट द हीट और थिंग्स, वो हीट ही खत्म हो जाएगी अगर यू डोंट नीड टू टेक इट आउट। असल में जिस वक्त मैं
मिसाल के तौर पर गुस्सा चढ़े और मैं चुप करके बैठा हूँ तो मुझे मेरी शक्ल भी दिख रही होगी कि मैं अपने गुस्से को कंट्रोल कर रहा हूँ। ये कई दफा हुआ है कि मैं चुप हूँ लेकिन मेरे बच्चों ने कहा है कि आपका मूड ठीक नहीं है बिकॉज आई एम सप्रेसिंग समथिंग। बट इट इज क्वाइट पॉसिबल दैट इफ आई रेगुलेट माई इमोशंस वो असल में अंदर गुस्सा रहेगा ही नहीं। यानी ऐसा नहीं कि गुस्से की इमोशन खत्म हो जाएगी, ये बात ध्यान में रखिएगा, ये नहीं मैं कह रहा, वो तो नेचुरल है, वो रहेगी और वो रहनी चाहिए, दैट इज व्हाट लाइफ इज ऑल अबाउट। असल चीज ये है कि वो उस मौके पर गुस्सा जो है वो मुझे कंट्रोलिंग इफेक्ट नहीं देगा फिर। आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। थैंक यू सो मच सर जी, आई हैव गॉट योर पॉइंट। थैंक यू जी। रफिया साहब आप अपना सवाल पूछिए। आप जो कह रहे हैं नेविगेट करने को, इसकी जरा मुझे समझ नहीं आई। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। I can't take rudeness from anybody. It can be anybody, friends, servants, spouse, children. अब एक चीज है और मैंने बहुत दफा ये कहा है कि but don't be rude. अब आप मुझे ये समझाएं कि अगर in spite of my request to everyone, if somebody is still rude, तो मेरे में frustration पैदा होगी. Now you want me to control that frustration, the anger, the irritation. If I continue doing it, so it affects me very badly. Don't I need to express it? Please, I have made my point. In spite of this, this is happening. It is affecting me very badly. So, aap navigate ka kya aapka matlab hua? I didn't follow it. देखिए ये जो बात है आपने जो अभी इसकी मिसाल दी बड़ी अच्छी मिसाल दी है that somebody is being rude. आप ये उसके साथ शेयर करेंगी कभी कि यू नो दिस इज व्हाट आई एम फीलिंग एट दिस टाइम, आई फील दैट यू आर बीइंग रूड विद मी, यू नो, एंड आई एम फीलिंग रियली हर्ट बाय दैट, इन दिस टोन कैन यू डू दैट? एंड इफ द अदर पर्सन सेज दैट नो आई वाज नॉट बीइंग रूड, आई वाज जस्ट प्री ऑक्यूपाइड, यू नो, आई हैड समथिंग एल्स इन माय माइंड एंड सडनली यू नो यू वांटेड अ रिप्लाई फ्रॉम मी इमीडिएटली, so मैंने आई ब्लर्टेड इट आउट, आई डिडंट इंटेंड टू बी रूड। क्या हो क्या रहा है सारा कुछ? ये इंसानों के इंटरेक्शन की एक बड़ी खास बात है जी। इंसान जो आप हैं, हम भी असल में महज एक्शंस को नहीं देख रहे हैं, हम एक्शंस से इन्फर कर रहे हैं। रूडनेस जो है कोई ऐसा नहीं होता कि इंसान आपके मेरे सामने आकर ये कहता है कि देखें जी अब मैं जरा रूडली बात करने लगा हूं तो आपको गुस्सा चढ़ना चाहिए। नहीं, ये मेरी इंटरप्रिटेशन है कि ये बात रूड हो गई है। और ये इंटरप्रिटेशन कैसी हुई है? ये मेरी सोशल ट्रेनिंग, मेरी सोशल कंडीशनिंग इसमें इन्वॉल्व है। मैंने देखा है कि मिसाल के तौर पर मेरा ये ख्याल है कि आपका मेरा सर्वेंट जो है वो मेरे से कैसे बात करे, मैं सर्वेंट से कैसे बात करूं, दैट इज नॉट अ मैटर ऑफ रूडनेस और पोलाइटनेस और एनीथिंग, आई एम बीइंग काइंड टू द सर्वेंट। लेकिन जिस वक्त मेरा सर्वेंट मेरे साथ ये कहे कि नहीं नहीं अभी मैं ये नहीं कर सकता, तो दिस इज रूड। So what is rudeness and where, how we decide that this is rude? And just think about it. These are all mental patterns. ये हैं जिनके बारे में मैं कह रहा हूँ कि mental patterns हैं। जिस वक्त मेरे सामने मेरा गुस्सा जो है वो mental patterns की बेस पे चढ़ेगा और मैं उनको समझने लग पड़ूंगा। देखिए एक आदमी ने ये कहा कि आपको ये बात समझ में नहीं आ रही। ये आदमी incidentally मेरा servant था, ठीक है जी। अब मैंने ये समझा कि ये बच्चा जो है, ये लड़का जो है, ये बंदा, ये असल में मेरी बेइज्जती कर रहा है, ठीक है। अब इसके अंदर बहुत सारे इन्फ्रेंसेज है, हालांकि इट माइट बी अ सिंपल स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट और वाकई मुझे हो सकता है बात समझ में आ रही हो, बट दिस इज समथिंग विच इज नॉट सोशली एक्सेप्टेबल फॉर मी विद माई ट्रेनिंग। इसी तरह से बच्चा जो है वो किस इन्वॉल्वमेंट में है, किस जगह पे खड़ा है। व्हाट आई एम सजेस्टिंग इज दैट देखिए इस दुनिया में जो लोगों ने मेरे साथ करना है ना जी, वो मैं उसको हमेशा ये समझता हूँ सीरियसली कि वो असल में मुझे अपॉर्चुनिटी देते रहेंगे। द पीपल अराउंड मी दे विल कीप टेलिंग मी, दे विल कीप गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी दैट यू नीड फर्दर इम्प्रूवमेंट इन योर सेल्फ। तुम्हारे कुछ अभी भी मेंटल पैटर्न्स ठीक नहीं हुए हैं और ये अपॉर्चुनिटी मुझे अल्लाह ताला की इनायत से बेहतरी की तरफ लेके जाएगी। मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट बात है और इससे मुझे बड़ा हौसला मिलता है जी। वरना सच्ची बात यह है दैट अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट एक ऐसे माहौल में करने की कोशिश करना कि जिसमें
हर जगह से आप ये महसूस कर रहे हो कि पीपल आर टॉकिंग टू यू रूडली, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग. आप इसको खत्म करना शुरू करते हैं अपने अंदर से. पीपल आर नॉट टॉकिंग टू यू डिफरेंटली और रूडली, पीपल आर ओनली प्रोवाइडिंग यू द अपॉर्चुनिटी टू बी अ बेटर पर्सन, एंड व्हेन यू मीट गॉड यू विल इंशाल्लाह मीट विद अ क्लियर कॉन्शियंस. ये जो एस्पेक्ट है जिस तरह मेरे अंदर ज्यादा मजबूत होता चला जाएगा, आई बिलीव दैट इट विल ओनली बेनिफिट मी. यकीन करें और किसी को फायदा हो या ना हो, मुझे कम से कम जरूर हो जाएगा इंशाल्लाह. Boys have sometimes your children snap at you rudely, sometimes friends say things in a very rude manner. I don't think it's humanly possible for you to, at least for me, to say, "Achha, bhi koi baat nahi hai. Okay, let me just ignore it." I'm a human being. I react. I feel, but please, achhi tarah baat kar lo. I'm not suggesting that you should ignore it. Maine to abhi pehli baat ye kahi hai. Abhi aapse jo pehli baat mere pure jawab ka aagaaz tha, wo maine aapse ye arz kiya. कि आप उनसे कहें कि ये जो आपने बात फरमाई है इससे मैं हर्ट हुआ हूँ, मुझे लगा कि आपने रूडली ये बात की है, तो डू यू फील दैट आई एम जस्टिफाइड इन फीलिंग हर्ट. इसमें इग्नोर करने को तो मैं नहीं कह रहा हूँ, आप ये करके देखिए, अपनी फीलिंग्स को दूसरे के साथ शेयर करके देखिए. हम असल में ये कहने को, मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ एक चीज, कि हम आम तौर पर अपनी वल्नरेबिलिटीज बिल्कुल शो करना पसंद नहीं करते जी, और इसका नतीजा ये निकलता है कि हम कभी ये किसी को नहीं कहते कि मैं हर्ट हुआ हूं. और ये हर्ट है असल में, आप सब लोगों के लिए मैं ये चाहता हूं कि इसको अच्छी तरह से समझ लें. कभी गौर कीजिएगा दैट मेनी टाइम्स व्हेन यू विल फील रियली एंगर्ड, तो आप बुरी तरह से हर्ट हुए होते हैं. और यही चीज दूसरे में हो रही होती है. समटाइम्स द अदर पर्सन हु हैज स्नैप्ड एट यू might have felt really hurt, लेकिन वो ये कहने को तैयार नहीं है कि मैं हर्ट हुआ हूँ. ये शेयर करके देखिए एक दफा, सीरियसली एक दफा करके देखिए कि अभी जो आपने कहा मुझे, बेटा बेटी तुमने जो मेरे साथ ये बात की इससे मुझे बड़ी तकलीफ हुई है, और am I justified in feeling hurt? ये करके देखिए, अपनी फीलिंग्स को, अपनी vulnerabilities को दूसरे के सामने रख के देखिए. हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं. I think I need to try this. I just keep quiet. I think that's my problem. When you keep quiet, you suppress your emotions. Mm-hmm. And then it's not that you just keep quiet. What happens is, I don't know whether you do it or not, but I think what normal people will do is, if somebody has been, in your perspective, if somebody has been, in your perception, if somebody has been rude to you and you keep quiet, it is not that you are not going to think about it. You will keep thinking about it. आपको वो जो एक दफा incident हुआ है, वो आपने 100 मर्तबा अपने दिमाग में चलाया है, और उसके नतीजे में अब मैं ये चाहता हूँ कि वो जो मैंने अपनी इमोशन पे कंट्रोल किया था वो रहे. आपको पता है जितनी दफा आप उसको सोचेंगे उतनी दफा वो इमोशनल केमिकल फिर से रिलीज हो जाएगा, और वो इमोशन जो असल में 6 सेकंड में खत्म हो जानी थी, आप उसको अपने कपड़े झाड़ के उठ जाते और खत्म कर देते, लेकिन अब वो खत्म नहीं होगी, वो हो सकता है सारा दिन आपके साथ चिपकी रह जाए. ये प्रॉब्लम है. हम अपनी इमोशंस को थोड़ा सा बयान करके, और वो इमोशन यानी कुछ सेकेंडरी इमोशंस होती हैं. मैं ये समझता हूँ कि इसको भी समझना, कि जब पहला मसला हुआ किसी ने कहा कि ओ यार तुम्हें क्या पता यार, तो मुझे गुस्सा बाद में चढ़ा है, जब मुझे मेरी हर्ट जो है वो फील नहीं हो रही किसी को, मेरी पेन जो है वो दूसरा देखने से इनकार कर रहा है, मैं उससे फ्रस्ट्रेटेड होता हूँ, इससे गुस्से में आता हूँ. अगर पहले ही स्टेज पे मैं ये कह दूं कि यार मैं आई एम रियली हर्ट यार, ये तो नहीं कहना चाहिए था तुम्हें, सबके सामने तुमने ये कह दिया, ये तो इट रियली हर्ट मी, तो हो सकता है अगला जो है वो अपनी बात पर गौर करने को तैयार हो जाए. बिल्कुल सही कह रहे हैं. थैंक यू सो मच भाई साहब. जी मुई साहब, मैं ये जानना चाह रही थी, आपकी बातें इतनी अच्छी हैं, वो कैप्टिवेटिव हैं, मैंने बड़े गौर से सारा कुछ सुना. मैं इसमें एक चीज़ जानना चाह रही थी कि आप जर्नल लिखते हैं, रिफ्लेक्टिव या एकेडमिक जो भी आप जिस तरह से भी लिखते हैं, आपने इसमें हमें सजेस्ट किया है कि इसमें आप एक तरफ तो जो हुआ है वो लिखें, और एक तरफ आप ये लिखें कि अगर इसको चेंज किया जाए तो यानी डिफरेंट रिएक्शन किया जाता तो क्या होता. तो मेरा सवाल ये है कि
हम अक्सर ठीक भी होते हैं ना, यानी हम अपनी रिएक्शंस जो दे रहे होते हैं, जो सिचुएशंस होती हैं सारा दिन में गुजरी हुई, उसमें हम ठीक भी होते हैं। तो जब हम ठीक होते हैं तो फिर हमने उसको तो नहीं ना चेंज करना कि कुछ ये भी हो सकता था, ये भी हो सकता था। एक तो ये एक कॉमन सेंस की बात है, मुझे लगता है कि उसमें नहीं लिखना होगा। लेकिन right. होता ये है कि हम एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, यानी हम जब कोई काम कर रहे होते हैं, कोई इंटरेक्शन हो रही होती है, उसमें कोई हमारे लिए डिस्करेजिंग होता है, कोई हमें हमारी बात को समझ ही नहीं रहा होता, हमें इग्नोर कर रहा होता है या रूड हो रहा होता है हमारे साथ, तो हम हर्ट होते हैं, हम बहुत हर्ट होते हैं। तो क्या उसमें हम क्या लिखेंगे, यानी उसमें हम चेंज क्या करेंगे जिससे हमारी इम्प्रूवमेंट हो, उसमें हम क्या लिखेंगे चेंज? नहीं देखिए, ये जो अभी पर्टिकुलरली बात हो रही है, अभी जो हम आगे इसमें जब एज वी प्रोग्रेस इन दीज सेशंस, तो बहुत सारी चीजें आएंगी जी। ये जो चीजें कुछ आपने अभी जिक्र की, ये भी आएंगी जेरे बहस, ज्यादा तफसील में भी आएंगी। अभी पर्टिकुलरली जो बात हो रही है वो हो रही है कॉन्वर्सेशन की गाइडलाइंस है। मिसाल के तौर पर आपने अभी फरमाया कि आम हालात में अगर मैंने ठीक किया तो मैं उसको नहीं लिखूंगा। मैं उन आम हालात की बात नहीं कर रहा जी, मैं असल में उसकी बात कर रहा हूं जिधर आपके जहन में एक रिएक्शन आया और आपने उसके बारे में अवेयरनेस से उसको ठीक कर लिया। ठीक है जी, इसकी बेहतरीन मिसाल हमको अपने से ऊपर के जो लोग होते हैं ना, चाहे वो हमारे बॉसेस हों, चाहे वो हमारे एल्डर्स हों, उधर बहुत ज्यादा मिल जाएगी। यानी मेरे दिमाग में एक चीज आई कि यार ये क्या कह रहा है मेरा बॉस है, कुछ पता तो है नहीं। लेकिन मैंने कहा यार अभी इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। मैंने अपने आप को रेगुलेट किया अंदर से, मैं उसको आई एम नॉट इवन थिंकिंग अबाउट इट। मैं उन पर्टिकुलर इंस्टेंसेस की बात कर रहा हूँ वेयर वी फेल्ट टेस्टेड, वेयर वी कुड हैव लॉस्ट अवर कंट्रोल, बट वी टाइमली रिकग्नाइज कर लिया कि मेरी थॉट्स या मेरी फीलिंग जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल होने वाली है, और मैंने उनको वापस अपने कंट्रोल में करके रेगुलेट कर लिया। ये वो एंट्री है जी। यानी मिसाल के तौर पर किसी ने मेरे से प्यार से कहा कि अस्सलाम वालेकुम मोहित साहब, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई है, और मैंने जवाब दे दिया। नहीं, ये नहीं है वो एंट्री। एंट्री वो तब है कि जिस वक्त एक आदमी ये कहता है कि जी आपके लेक्चर जो हैं, आपकी जो सेशन है उनमें तो कोई कोई सब्सटेंस ही नहीं है, और मैं उसकी बात सुनकर अपनी बात पर गौर करूँ और देखूँ कि क्या, और मैं ये पूछूं कि जी आपने कौन कौन से सुने हैं, हो सकता है कोई ऐसी चीज हो कि जो मैं उससे लर्न कर सकता हूँ। ये जो सारा एस्पेक्ट है ये तब होगा। मैं इमीडिएट जो रिस्पांस आया मेरे दिल में वो ये था कि तुम जानते क्या हो, लेकिन मैंने असल में अपने आप को कंट्रोल किया और मैंने ठीक रिस्पॉन्स। ये है वो जगह जिधर के मुझे एंट्री करनी है अबाउट हैविंग एडहेयर्ड टू द प्रिंसिपल, नॉट वन वेयर आई वॉज नॉट इवन टेस्टेड। वेयर आई वॉज टेस्टेड, मैं कुछ कर सकता था, मैं रिएक्ट कर सकता था, उधर मैंने नहीं किया और मैंने अच्छा रिस्पांस दिया। वो है जो मेरी एंट्री का की बात बनेगी। ये बात मैडम क्लियर हो पाई जी? जी जी, मुझे समझ तो आ गई है, लेकिन मुझे लगता है कि हमें अप्रिसिएशन की जरूरत भी तो होती है ना। जब हम ठीक कर रहे हैं तो वो अप्रिसिएशन हमें नहीं मिल रही होती, और हमने कंट्रोल किया होता है अपने आप को, हम वो नहीं कर रहे होते जो कि उस वक्त रिएक्शन बनता है। तो उस सिचुएशन में हमने क्या करना है, यानी हम अप्रिसिएशन चाह रहे हैं, हमें रिजेक्शन मिल रही है, हमारे साथ हमें बुरा भला कहा जा रहा है और हम कंट्रोल कर रहे हैं, तो फिर नहीं, उसमें दो चीजें देख, सॉरी आप बात पूरी कर लीजिए। जी जी, इट्स ओके, ये फिनिश हो गई है मेरी बात। ठीक, हमें दो चीजों पे गौर करना है जी। एक ये कि जो मैं कर रहा हूँ उसका मोटिव क्या है, ठीक है जी, व्हाई एम आई डूइंग इट, और नंबर दो ये कि जिस नजर से मैं इसको देख रहा हूँ क्या वैसे ही है। मिसाल के तौर पर मैं आपसे अर्ज करता हूँ, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा, मैंने तो अपनी बेगम से कुछ भी नहीं कहा, मैंने तो सिर्फ ये कहा है कि यू व्हाई आर यू बीइंग सो डिफेंसिव, ठीक है जी, और इस पर वो हर्ट होके गुस्से में आ गई या हर्ट हुई या फिर गुस्से में आ गई, व्हाटएवर जो मैंने अभी बात करी की है। मैं अपने अपनी बात के अंदाज पे, अपनी बात करने पे, अपने वर्ड्स पे, अपने क्वेश्चंस पे गौर करूं खुद भी, ठीक है जी। मे बी आई एम नॉट बीइंग अप्रिशिएटेड बिकॉज ऑफ
some things that have been misinterpreted from my part and I have a role in them. मैं बेहतर कर सकता हूँ उन चीजों को. असल में जो चीज है ये समझ लीजिए कि ये हमारे इन पूरे सेशन में जो टारगेट है वो ये नहीं है कि मैं किस तरह से कामयाब हो जाऊं अपने मकासद में. असल चीज ये कि मैं किस तरह से कामयाब हो जाऊं अपने आप को बेहतर करने में. और इसमें फोकस सारे का सारा मेरा अंदर ही रहना है. ठीक है जी. मैं आपको शायद कभी आगे चल के हम जब ये बात करेंगे मिसाल के तौर पर कि हम किस तरह से हाउ कैन वी बी मोर अफेक्टिव इन शेयरिंग वेयर वी डिसएग्री, लेट्स से मैं किधर ये बात ज्यादा आसानी से कह सकता हूँ, जिधर मुझे आपसे इख्तलाफ है मैं कितना अफेक्टिवली उसको अच्छी तरह बयान कर सकता हूँ. तो लेकिन उसमें भी असल मकसद जो है वो यहाँ पर ये होता है कि मैंने समझना है कि मैंने समझा है, यू नो आई नीड टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट आई हैव अंडरस्टूड माइट बी रॉन्ग. मैं उस नज़र से देखने की कोशिश करूँ जिस नज़र से दूसरा बयान कर रहा है. इसके नतीजे में आई विल लर्न मोर. इट इज ऑल अबाउट मी. ईगो सेंट्रिक किस्म के सेशन है ये बिल्कुल. दे आर ओनली कंसर्न अबाउट मी एंड इस चीज को सामने रखते हुए वी नीड अप्रिसिएशन बिकॉज समटाइम्स बिकॉज ऑफ आवर ओन पास्ट. इसको जहन में रखिए, कई दफा हमारा मोटिव क्लियर नहीं होता, हम अप्रिसिएशन पर डिपेंडेंट होना शुरू हो जाते हैं जी. और इस चीज के ऊपर भी हम इंशाल्लाह एज वी प्रोग्रेस वी विल टॉक अबाउट इट किस तरह से हम इससे निकल जाए. हमको अच्छा करना है for a very very clear soul objective of pleasing God and we will be appreciated. hame appreciation mil jayegi agar hamari niyat saaf hai, hame acha mil raha hai aur duniya mein bhi milegi. aisa nahi hai ki har jagah se hi nahi milegi aapko. kuch log mushkil se karte hain to koi baat nahi, aapne acha karna hai. aapko phir bhi ye bhi cheez aapke liye learning mein izafa karegi inshaallah. but I feel ke ye baat badi important hai, अपने ऊपर फोकस करना है मुझे. जी मैं मुझे समझ आ गई है कि ये असल में मैं पे बेस करता है कि मुझे खुद कैसे ठीक होना है. कोई नहीं भी अप्रिशिएट करता तो मुझे ठीक करना है काम. वो भी मेरी अपॉर्चुनिटी है. वो भी अपॉर्चुनिटी है जी. मुझे मैंने अच्छा किया, अपनी जान तो जान गुसल एफर्ट दी और फिर भी किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया, तो ये भी मुझे मेरे लिए अल्लाह ताला की तरफ से एक अपॉर्चुनिटी है अपनी इम्प्रूवमेंट के लिए. ये कंटिन्यूअस अपॉर्चुनिटीज हैं, यकीन करें. आप कभी शुक्रगुजारी की, कभी कभी सब्र आजमा हालात में डाल के अल्लाह ताला हमें वाकई नहीं छोड़ना चाहते कि उनकी खास रहमत है जी. वो हमें बेहतर से बेहतर बना देना चाहते. सर मुझे अपनी एक वीकनेस के बारे में आपसे पूछना था और ना इसके अलावा मेरी एक सिस्टर ने अभी दो चार पार्टिसिपेंट से पहले डिस्कस किया था, तो एक मेरे पास ना छोटी सी प्रैक्टिकल सजेशन थी, तो वो मैं शेयर कर दूं आपसे. जरूर जरूर, मोस्ट वेलकम जी. जी जैसे सर उन्होंने कहा ना कि वो गुस्सा करती हैं तो उनको पता है अपनी ये गलती ना, और वो जैसे उसको नहीं कंट्रोल कर पा रही हैं. एक तो सबसे बड़ी अच्छी बात आपने भी ज़ाहिर बयान कर दी कि ये ही सबसे बेस्ट है कि उन्हें पता है. तो मेरी एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन मैंने ना बस थोड़ा बहुत सर्च करके और सीखी थी और फिर उसके बाद अप्लाई किया तो मुझे काफ़ी उससे फ़ायदा हुआ. वो ये थी कि जब आपको गुस्सा आ रहा हो ना किसी चीज़ पर, तो ना आप एक तो जब आप कूल डाउन हो नॉर्मल हालात में हो, तो आप ये अपने पास ये बात सोच लें कि जब मैं गुस्सा करती हूँ तो वो मेरा एनिमल ब्रेन होता है. ठीक है सर, आप सुन रहे हैं मेरी बात? जी 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 बिल्कुल सुन रहा हूँ जी, बिल्कुल. तो ये मेरा एनिमल ब्रेन होता है, तो ये हमने एक नॉर्मल अपने आप को ना एक मैसेज दे दिया अपने ब्रेन को. जब हम गुस्सा कर रहे होंगे ना तो एक रिमाइंडर आएगा, वो आता है जरूर, और वो रिमाइंडर आएगा और बात कहेगा कि ये काम मैं गलत कर रहा हूँ अपने लिए. तो ना वो रिमाइंडर आते ही बस उसको कैच करना होता है और वो आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस हो जाती है, तो रिप्लाई नहीं होता फिर क्योंकि. और दूसरी चीज ये होती है कि अब अगर बच्चों पे ही हो रहा है ना, तो बच्चों को ही रिमाइंडर बना दें कि बच्चों को बोलेंगे जब मैं गुस्सा कर रही हूँ ना तो कोई ऐसा साइन बना देना तो मुझे समझ आ जाएगा. तो मैंने अपने बच्चों को कहा था कि हार्ट का साइन फिंगर से बना दिया करो. तो वो जैसे वो हार्ट का साइन बनाते हैं तो मैं अपने उस स्टेट में आ जाती हूँ कि मैं तो ऐसी नहीं हूँ. और अपने आपको ये भी कहना है कि मैं मतलब एनिमल ब्रेन मेरे अंदर उस ना बढ़े, मतलब मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं गुस्सा करने वाली पर्सनालिटी नहीं हूँ. ठीक है, तो क्योंकि नॉर्मल हालात में नहीं होते लोग, वो तो उस कंडीशन में होते हैं ना जब गुस्सा आता है.
तो फिर बच्चे अगर इस तरह से कोई साइन बना देते हैं ना तो नॉर्मल हो जाता है कंडीशन. ये एक प्रैक्टिकल मैंने करके देखा था तो मैंने कहा शेयर कर लूं कि शायद इससे किसी को फायदा हो जाए. दैट्स वेरी नाइस जी. इसको एंकरिंग कहते हैं कि ये लेट्स से आप जी सॉरी जी आप फरमाइए. जी सर, ये थॉट प्रोसेस पे काम होता है क्योंकि ये एक अर्ज आती है ना हमारे माइंड में, तो ये असल में इंटरनल ही सेटिंग होती है कि इंटरनली इंसान सेट हो जाता है. बिल्कुल सही है, क्योंकि उसी से होता है कि वो और सबसे पहले तो अल्लाह से दुआ करनी चाहिए और फिर उसके बाद जब हम ऐसा सोचने लगेंगे तो इससे फर्क पड़ता है. और तीसरी चीज ये थी सर कि जो है ना गुस्से के ना नताइज हमेशा बहुत बुरे होते हैं ना, बहुत बुरे होते हैं. जैसे जो सहरा होता है ना गुस्सा, जो गुस्सा कर रहा होता है जी सर, तो जो गुस्सा कर रहा होता है उसका भी नुकसान होता है और जो सहरा होता है तो उसका तो बहुत ही बड़ा नुकसान होता है. बच्चे स्पेशली ना, बच्चों का तो जहन डैमेज होने लगता है, फिर वो आइंदा फिर करेंगे तो ये चेन बन जाएगी. तो उसके जो नुकसान है वो लिख लें कि ये नुकसान इतना ज्यादा हो जाएगा. तो जो नुकसान हो जाएगा तो नुकसान से तो इंसान की नेचर है कि वो बचना ही चाहता है. तो जब बच्चे कोई साइन दे देंगे तो फौरन आ जाएगा कि भाई, क्योंकि उससे के बाद हमेशा रिग्रेट फील होती है करने के बाद. तो फिर ना फौरन ये हो जाएगा कि ये तो बहुत गलत काम हो गया, रिग्रेट होगी और हम होती है. तो फिर फौरन ही माइंड जब इस अर्ज पे इस पे जाएगा, इस छौत आएगी तो सेकंड उसको कवर कर लेगी, तो इंटरनली सेट हो जाता है बंदा. बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका शेयर करने का जी. थैंक यू. आई होप आपका पैगाम पहुंच गया होगा जी, जिन्होंने ये सवाल किया था उन तक भी. एनीथिंग एल्स दैट यू वुड लाइक टू से जी? एक मेरी वीकनेस है, वो मुझे आप बताइएगा कि सर मुझे ना गलती का एहसास बहुत ज्यादा रहता है कि मैं उसे गलती ना हो जाए किसी चीज में. इससे ना मेरा कॉन्फिडेंस बहुत लूज हो रहा है. जैसे लिखने में गलती ना हो जाए, बोलने में गलती ना हो जाए, ये हो रहा है सर. ये क्या मतलब, ये क्या चीज होती है, क्यों होता है ये? ये बेसिकली परफेक्शनिज्म है जी. यानी आप इसकी कॉजेज में हम नहीं जाएंगे क्योंकि वो कॉजेज जो भी होंगी बहरहाल यू हैव टू ओवरकम दैट. ठीक है जी, आप अपनी जी ये ओवरकम हो सकती है ये चीज. एब्सोल्युटली जी, मेरा ख्याल है कि यही तो अल्लाह ताला का दिया हुआ बड़ा बैरियर बन गया है. इसकी वजह से मैं बहुत सारी चीजें प्रोग्रेस नहीं कर पा रही हूं जी. लेकिन ये ओवरकम हो सकती है जी, और ये ओवरकम करने के लिए आपको इस पे एफर्ट देनी. कोई भी चीज अल्लाह ताला की इनायत है ये हम पे कि ये हम ओवरकम हम अपनी गलतियों में से कर सकते हैं. खास तौर पे जैसे ही आपने ये रिकग्नाइज कर लिया कि गलती करने से खौफ पैदा हो गया है, गलती करने से डर पैदा हो गया है, तो इसमें एक चीज तो ये समझ लें कि अगर आप कोई काम करेंगी तो गलती होनी है. तो या तो आप काम छोड़ दें सारे, फिर कोई गलती नहीं करेंगे. जो लोग काम करते हैं वो गलतियां भी करते हैं, और गलती जो होती है वो हर गलती की डिफरेंट नौयत है. उससे आपने सीखा क्या है, दैट इज द मोर इम्पोर्टेंट थिंग. इंसान बगैर गलती के, यानी ये पॉसिबल नहीं है कि आपकी औलाद या मैं, जब मैंने चलना शुरू किया था तो मुझे मेरे माँ बाप जो हैं अगर ये कह देते कि नहीं, ये उस दिन हमने इसकी टांगों की गिरें खोलनी है कि जिस दिन ये अब खुद से खड़ा हो सकेगा, तो मैं कभी चल ना पाता. मैं खड़ा होने की कोशिश करता था, गिरता था, खड़ा होने की कोशिश करता था, गिरता था, और ये प्रोसेस गिरने और खड़े होने का था जिसमें अल्टीमेटली मैंने चलना सीखा. ये गलतियां हैं, यही गलतियों की भी सिचुएशन है हमारी जिंदगी में. हम भी व्हेनेवर वी विल ट्राई टू डू समथिंग, हमसे गलतियां होंगी एंड वी विल इम्प्रूव थ्रू दैट. दिस इज द पार्ट वेयर वी शुड बी मोर कॉन्शियस ऑफ. ये नहीं कि गलती ना हो, अगर गलती ना हो आपकी जिंदगी का इशू है तो फिर तो कुछ करना नामुमकिन है जी. फिर क्या होगा, मैं आपसे गलती हो जाएगी, अंदर से फीलिंग्स आ रही होती है. बोलने में भी होता है कि मैं शायद गलत बोल जाऊंगी, शायद मैं गलत लिख रही हूँ, लिखने में गलती हो जाएगी. ये चीज मैं आपसे अर्ज करूँ, ये अभी भी होगी, आपके अंदर ये फीलिंग है तब भी होगी. और ये मैं जिस वक्त कभी कभी मुझे अपना कुछ क्लिप सुनने को मिल जाता है तो मैं यही सोचता रह जाता हूँ कि ये मैं क्या बोल रहा था. यानी इतनी गलतियां हो जाती हैं, ग्रामेटिकल भी हो जाती हैं, लैंग्वेज की भी हो जाती हैं. वी विल कंटिन्यू डूइंग दैट, हम सीखते रहेंगे ये जिंदगी में. और जब भी आप परफेक्शनिज्म का शिकार होते हैं तो एक प्रॉब्लम पैदा होती है, आपको अपनी गलती मानने में बहुत मुश्किल हो जाएगी. ये एस्पेक्ट जो है इसको ध्यान में रखिए. क्वालिटी असल में गलती से सीखने की और गलती मानने की. बहुत समझती हूँ कि अदर्स
सॉरी सर जी जी फरमाइए मैं ये कह रही हूँ कि मैं दूसरे लोगों को बिल्कुल राइट समझती हूँ कि वो नहीं कर रहे हैं गलती या वो, लेकिन मुझे अपनी जात में ये फील होता है कि मुझसे गलती हो जाए, फियर फील होता है कि मुझसे गलती हो जाएगी. अब क्या होगा फिर उसके बाद, इसके ऊपर थोड़ा सा गौर करके देखिएगा. ये जाहिर है कि ये एक पूरा डिटेल टॉपिक है, इस पर अगर आप चाहें तो हम अलग से बात कर लेंगे, लेकिन एक चीज को मैं गारंटी कर सकता हूँ जी, दैट यू कैन ओवरकम दैट. ये ओवरकम किया जा सकता है इंशाल्लाह. मोस्ट वेलकम जी. जी मुझे ये श्योर नहीं है कि मेरा क्वेश्चन जो है वो डायरेक्टली आपके टॉपिक के साथ रिलेट करता है कि नहीं, बट आई वुड रियली अप्रिशिएट अगर आप इसको आंसर करें. सो मैं थोड़ी सी आपको पर्सनल एक चीज शेयर करूं कि मैं जब छोटी थी तो हम एक जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते थे. सो माय मदर शी वाज अ वेरी काइंड, आई मीन वे टू काइंड पर्सन, कि जब हमें कोई डांट देता था या अगर बाहर किसी ने हमें मार दिया या कुछ भी, तो हम या किसी ने ज्यादती भी कर दी है, किसी रिलेटिव ने कुछ भी, तो जब हम अपनी मामा को बताते थे तो वो कह रही थी कोई बात नहीं आप माफ़ कर दो. लाइक मेरे पेरेंट्स ने हमेशा यही किया, और मैंने देखा कि मेरी अम्मी से सब बहुत प्यार तो करते हैं लेकिन उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सफ़र भी किया, वो अब तक भी करती हैं. जैसे अगर वो अभी बीमार भी हैं तो उनको घर के काम कोई भी आ जाए तो वो नो नहीं करती, वो अपने अपने बच्चों से भी ज़्यादा वो दूसरों को प्रायोरिटी देती हैं. आई थिंक इट्स नॉट टू पर्सनल अगर मैं शेयर करूँ, लाइक मेरी भाभी शी इज़ वेरी नाइस, लेकिन मेरी अम्मी की आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ कि वो मेरी भाभी को कोई काम नहीं करने देती, वो खुद काम करेंगी, इस तरह की वो बेचारी काइंड है. तो फिर उनको देखते हुए ना मेरे अंदर ना एक वो कह रहे हैं कि एक बागी सी मैं हो गई. देखिए एज अ चाइल्ड आई यूज टू फील वेरी अनप्रोटेक्टिव कि यार अगर किसी ने मुझे कुछ कह दिया तो मेरी अम्मा ने तो मुझे ही कहना है कि यार तुम माफ़ कर दो. तो अब लाइफ में आई एम 30 years old, सो यूजली आई एम अ वेरी काम एंड काइंड पर्सन, खुद से मैं किसी से लड़ाई नहीं करती, लेकिन मुझे ये प्रॉब्लम है कि अगर कोई मेरे से जैसा बिहेव करता है ना तो मैं चाहती हूँ कि मैं भी उसके साथ वैसे ही बिहेव करूँ, अदरवाइज आई विल एंड अप लाइक माय मॉम और लोग जो हैं वो मुझे यूज़ करेंगे. फॉर एग्जांपल अभी जो है मैं एक अपने कज़न की तरफ गई हुई थी उनकी कंट्री में, तो उनका बिहेवियर मेरे साथ अच्छा नहीं था इतना. सो दैट पर्सन इज़ नाउ कमिंग ओवर टू आर कंट्री, तो वो डिफरेंट रिलेटिव्स की तरफ स्टे करेंगे. सो मेरी मामा मुझे कॉल करी थी कि तुमने उसको सैर करानी ये वो, तो मैंने कहा कि ठीक है मैं मिल लूँगी, बट मैं जैसे उन्होंने बिहेव किया मैं भी ऐसे ही बिहेव करूँगी. लाइक मेरे जहन में ये मैं कि अगर मैं किसी के साथ टू काइंड हो जाऊँगी तो वो मेरी उसको समझेगा कि इस बंदे की कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है. तो मुझे ये लगता है कि ये मेरी वीकनेस होगी कि अगर कोई बंदा मेरे साथ बुरा बिहेव कर रहा और मैं बहुत अच्छे से उसके साथ फिर भी बिहेव करती रहूँ या मैं मतलब आगे से जवाब ना दूँ. यूजली मैं नहीं लड़ती खुद से किसी के साथ नहीं लड़ती, लेकिन अगर जब कोई मुझे कहता है ना कुछ तो फिर मैं वो एक उस मूड में आ जाती हूँ. तो ये क्या ठीक है या गलत है, आप थोड़ा इसके बारे में मुझे गाइड करेंगे. देखिए एक बात तो ये समझ लीजिए कि जब भी कभी जिंदगी में, ये बड़ा हमारा सोशल लर्निंग है ये हमारी, इसमें आपका ये बहुत ज्यादा कसूर नहीं है, यानी दिस इज व्हाट वी हैव लर्नड इन स्कूल इन आवर पीयर्स. जो प्रॉब्लम है उसको पहले उसकी असल में समझ लें कि जब भी कभी आप जिंदगी में ये फैसला करें कि मैंने वैसा करना है जैसा दूसरे ने किया है तो एक प्रॉब्लम है. फिर असल में मेरा बिहेवियर मैं कंट्रोल नहीं कर रहा, दूसरा कर रहा है. मेरी डोर दूसरे के हाथ में है, वो मुझसे अच्छा करवाना चाहता है तो अच्छा करेगा और मैं भी अच्छा कर दूंगा. मेरी जिंदगी प्रिंसिपल्स के कंट्रोल में रहे. अगर काइंडनेस आपकी वालदा का प्रिंसिपल है तो जहन में रखिएगा कि उस काइंडनेस के लिए इससे कत नज़र के दूसरा क्या है. मैंने काइंडनेस शो करनी है अल्लाह के लिए, और यही तो वो बात है कि जो मैंने अभी थ्रू आउट में कह रहा था ना जी, जो गुजारिश कर रहा था कि अल्लाह ताला हमको अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करते हैं टू बिकम मोर प्रिंसिपल सेंटर्ड. अल्लाह ताला हमको ऐसे लोगों से मिलवा देंगे कि जो बहुत काइंड नहीं है, उनके साथ हमारी काइंडनेस ज्यादा फ्लरिश करनी शुरू कर देगी अगर मैं अपने प्रिंसिपल पर कायम रहूं. तो सबसे पहली चीज आपने ये फैसला करनी है कि जिंदगी का कंट्रोल, आपकी जिंदगी का कंट्रोल, वो दूसरों के हाथ में होना है या आपके उसूलों के हाथ में होना है. उसूल से मेरी मुराद वो उसूल हैं जो कि यूनिवर्सल हैं, जिनको अल्लाह ताला ने हमारे अंदर पैदा किया है और हम उनको वैल्यू करते हैं. अगर वो उसूलों के हाथ में होगा तो फिर असल में मेरा जो बिहेवियर, मेरा जो रिस्पॉन्स है,
वो सिचुएशंस के मामले में वो बहुत स्टेबल रहेगा, वरना आज उसने अच्छा किया तो मैं भी अच्छा करने पर मजबूर हो जाऊंगा और आज बुरा किया तो मैं भी बुरा करने में मजबूर हो जाऊंगा। ये फैसला आपने जब कर लिया तो नेक्स्ट स्टेजेस जो आएंगी, जैसे जैसे आएंगी, इंशाल्लाह वी कैन टॉक अबाउट देम, वी कैन डिस्कस देम, हम ये देख सकते हैं कि किस तरह वो भी मुश्किल हो जाती हैं, लेकिन हम उन पर अगर चाहें तो अल्लाह ताला की तौफीक से उन पर कायम रह सकेंगे इंशाल्लाह। मैं मुझे प्लीज बताइएगा कि आपको मेरी बात समझ में आ गई है, इफ यू हैव एनी फर्दर क्वेश्चंस प्लीज लेट मी नो। थैंक यू, आपने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया। मुझे आपसे पहले भी ऐसा किसी ने समझाया कि आपको तो अपने अपनी तरफ से अच्छा ही करना चाहिए, बट मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल अगर कॉन्टिन्यूसली कोई बंदा हमारे साथ बुरा बिहेव कर रहा है और फिर भी अगर हम उसके साथ अच्छे होते रहे, लाइक अगर हम बुरा सलूक ना भी करें लेकिन उसको एक मैसेज दें कि आपके इस बिहेवियर से हम हर्ट हो रहे हैं, फिर भी अगर वो इंसान नहीं ठीक हो रहा तो फिर अगर हम उसके साथ अपना ताल्लुक ख़त्म कर दें, उसके साथ बुरा बिहेव करने का ये मतलब नहीं है कि हम अगर किसी ने गाली दिया तो आप भी गाली शुरू कर दो। लाइक मैं ये सोचती हूँ कि फिर उस इंसान के साथ आपको अपना ताल्लुक आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म कर लेना चाहिए। सो इसमें थिंक इसमें कोई बुराई है अगर एक बंदा कॉन्टिन्यूसली कोई इंसान आपको हर्ट कर ही जा रहा है और आपको ये साथ अच्छा उनका बिहेवियर नहीं है, मतलब अगर वैसा ही बिहेव करने का ये मतलब नहीं कि मैं बिल्कुल वैसा ही होना चाहती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ मैं थोड़ा अवॉइड करूँ अगर ऐसे इंसान को, तो आप जरूर अवॉइड करने का हक रखती हैं जी, बिल्कुल अवॉइड करने का हक रखती हैं, व्हाई नॉट, ये तो आपका फैसला होगा। आप किस तरह से अवॉइड किया जाएगा, किस हद तक किया जाएगा, ये सारी चीजें आपने डिसाइड करनी है। अगर आपको लगता है कि आपके लिए अपने प्रिंसिपल पर खड़ा होना किसी के साथ अभी मुश्किल है तो आप अवॉइड करने का हक रखते हैं। अच्छा वैसे अगर आप पर्सनली अपनी अगर खुद आप ऐसी सिचुएशन में हो तो आप काइंडनेस को ही प्रेफर करेंगे अपने प्रिंसिपल्स को या आप अवॉइड करना चाहेंगे? देखिए इट्स अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन टू से। आइडियली स्पीकिंग मैं इसी को प्रेफर करूंगा जी कि मैं अपने प्रिंसिपल पे खड़ा रहूं और अल्लाह ताला मुझे इसकी तौफीक दे कि मैं ऐसा कर पाऊं। लेकिन इंसान होने के नाते कई दफा गलती हो जाती है, भूल जाता हूँ, फिर वही जिस तरह की मिसाल मैंने आपके साथ शेयर की कि कई दफ़ा ये भूल जाता हूँ कि यहाँ पर मौका जो था वो अपने प्रिंसिपल्स का था, ये भूल जाता हूँ कि ज़िंदगी में मेरा जो इस वक्त असल में हकीकी जो एक्टिविटी हो रही है वो मेरा और खुदा का एक ताल्लुक बन रहा है। थ्रू वेरियस अप्स एंड डाउन इन माई लाइफ, थ्रू वेरियस रिस्पॉन्सेज दैट आई एम गेटिंग फ्रॉम ऑल पीपल अराउंड मी, यहाँ पर अल्लाह ताला के साथ मेरा एक मामला हो रहा है। वो जो हज़रत अबू बकर की मिसाल आती है ना जी तारीख में कि वो किसी से लड़ पड़े थे और कुछ झगड़ा हो गया था और उन्होंने कुछ बुरा भला कह दिया और वो चुप करके सुनते रहे और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथ खड़े हुए मुस्कुराते रहे, और जब वो बोले और उन्होंने रिस्पॉन्ड किया तो वो पैगंबर की मुस्कुराहट जो थे तबस्सुम ख़त्म हो गए। तो ये बड़ा सबक आमोज वाक्य है जी कि यानी मैं अल्लाह ताला को रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ। कीप दिस इन माइंड एट ऑल टाइम्स कि यहाँ पर जो भी हो रहा है मामला वो मेरा दूसरों के साथ नहीं हो रहा, आई एम एक्चुअली रिस्पॉन्डिंग टू गॉड, अल्लाह ताला को रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि बेहतर से बेहतर रिस्पॉन्ड करना शुरू कर दूँ। ओके थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम जी। राइट जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक हम अल्लाह ने चाहा तो इसी वक्त इसी जगह पे फिर मिलते हैं। आप सबके लिए दुआएं, अल्लाह ताला खैर व आफियत से रखे जी। अस्सलाम वालेकुम।